उपस्थिति नहीं है तब बहुत पुराने साधु को है उससे कभी बात करते हैं तो वो पूज्य बापू श्री के बारे में बताते हैं, उसके साथ बिताए क्षण के बारे में, प्रसंगों के बारे में जब बताते हैं तो बहुत आनंद आता है कि ये कितने भाग्यशाली है पूज्य बापू श्री का, इतना सत्संग का लाभ उनको मिला है। ऐसे ही एक साधक आज हमारे बीच में है, मैं नाम लेना चाहूँगा श्री चावड़ा साहिब का। वैसे तो श्री चावड़ा साहिब हमारे परिवार का सभ्य है, फिर भी संक्षिप्त में परिचय दूँ तो हाल अभी वो LD आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद में प्रिंसिपल है। महाराजा कृष्णमा कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। अपने देवेश जी महाराज, पूज्य देवेश जी जो LD आर्ट्स कॉलेज में जब पढ़ते थे तब के वहाँ के वो प्रिंसिपल थे। पूज्य बापू श्री का सत्संग का उनको बहुत लाभ मिला है, आज हम उनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। मैं श्री चावड़ा साहब को विनती करता हूँ कि यहाँ पर आके प्रसंगोचित उद्बोधन कर। श्री चावड़ा साहब आज के इस आश्रम परिसर में उपस्थित सभी को प्रणाम करने के पहले हमारे सद्गुरु दत्त महाराज के चरणों में प्रणाम, परम पूज्य मैया श्री के चरणों में प्रणाम, देवेश जी, उमा जी और आप सभी साधक भाइयों और बहनों गुजरात के कोने कोने से यहाँ उपस्थित है, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय गुरुदत्त। इस आश्रम के साथ करीब 2006 से यानी 17 साल से जुड़ा हूं। मैं भी आपकी तरह आप में से ही एक हूं, छोटा साधक हूं, शायद मेरे से भी ज़्यादा साधना जप जाप आप करते होंगे, लेकिन मैं खुद को इतना भाग्यशाली समझता हूँ कि बापू का बहुत आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हुई है, कृपा पात्र बना रहा हूँ। बहुत सारी अनुभव मुझे हुए हैं। भाग्यशाली इसलिए कहता हूँ कि मैंने 17 साल में, देखो ये मानने वाली बात है, अभी हम मानते हैं, परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, हम मानते हैं तो सब कुछ है। मैं मानता हूँ कि सद्गुरु की कृपा से मुझे पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, मानपान मिला, छोटी सी उम्र में नेक्स्ट टू गवर्नर वाइस चांसलरशिप भावनगर यूनिवर्सिटी में मिली और इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुली 3 साल वाइस चांसलर के रूप में काम किया। मैं जब भी चाहता था कि मुझे ये डिसीजन लेना है
सदगुरु को इष्ट को याद करके डिसीशन लेता था। एक भी डिसीशन ऐसा नहीं रहा कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हो या तो विड्रॉ करना पड़ा हो। तो हम भाग्यशाली इसलिए हैं कि ऐसे हमें सदगुरु गुरु प्राप्त हुए। हम हमारे परिवार में सांसारिक संदर्भ में बात करूं, हम सब संसारी हैं। परिवार में एक माता या तो पिता का जब हमारा रोल के संदर्भ में बात करूं तो हम सोचते कि हमारे बेटा हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, लिखाई करे, परवरिश अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, उनको सारी उनकी जरूरतें पूरी हो, उनको जरा भी मान लो बुखार आता है तो भी मम्मी या तो पापा चिंतित हो जाते, क्योंकि सतत चिंता अपने बच्चों की रहती है। बच्चे को सारी उनकी जरूरतें पूरी हो, एक ख्याल माता पिता होने के नाते हम करते हैं। तो साथ में जब बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई अच्छी हो जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, या तो अच्छा बिजनेस सक्सेसफुल बन जाता है, तब मैं मानता हूं कि ये बच्चे का भी दायित्व पिता के प्रति बनता है। हमें बापू का इतना प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, कृपा मिली। आज एक साल पूरा हुआ, आज हमारे बीच बापू स्थूल स्वरूप में नहीं है, सूक्ष्म में हमारे बीच ही है। मुझे तो अनुभूति होती है, आपको भी शायद होगी, जब कार्यक्रम शुरू होता है तो बापू यहां से एंटर होते तो हमें लगता है कि अभी बापू यहां से आएंगे। सूक्ष्म में हमारे बीच में बापू है ही। तो ऐसे हमें सद्गुरु प्राप्त हुए। तो मैंने बताया कि जैसे हम मदर फादर का जो रोल अदा करते हैं बच्चों के प्रति, उसी तरह बच्चों का भी रोल एक माता पिता के प्रति भी होता है। आज बापू हमारे बीच में नहीं है, ये पूरा आश्रम है, गिरनार साधना आश्रम है, ऋषिकेश में हमारा आश्रम है, मैया श्री, देवेश जी, उमा जी और हमारा पूरा दत्त परिवार। तो आज मैं मानता हूं कि बापू की स्थूल उपस्थिति नहीं है, तो हमारा तन मन और धन से इस गुरु स्थान के साथ जुड़ा रहना हमारा दायित्व बनता है। बापू श्री ने 45 साल तक साधना की, गंगा तट पर, नर्मदा तट पर, जटाशंकर में, और 75 में 15 नवंबर 75 में दत्त महाराज के दर्शन हुए। बापू ने कोई भौतिक संपत्ति सुख सगवण अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बापू ने विश्व कल्याण के लिए दत्त महाराज से मांगा। और जो वरदानी मंत्र प्राप्त हुआ, हरिओम तत्सत जय गुरु दत्त, ये मंत्र के कारण आज ध्यान लगता है। ध्यान के कारण हमें शांति की अनुभूति होती है। हमारे जो भी प्रश्न है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो, हमारे प्रश्न का अंतर मन से सॉल्यूशन होता है, उकेल मिलता है। ध्यान के बारे में कहा जाता है कि मेडिटेशन इज अ मास्टर की ऑफ ईच एंड एवरी सॉल्यूशन, ईच एंड एवरी सक्सेस, कोई भी सफलता के पीछे। और ध्यान इतनी सरल वस्तु भी नहीं है। योग कोई भी करवा सकता है, प्राणायाम कोई भी करवा सकता है, एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन इतना आसान नहीं है। अगर हमारी सालों की साधना है, अगर बापू जैसे सिद्ध गुरु मिले हैं, अगर हरिओम तत्सत जय गुरु दत्त जैसा वरदानी मंत्र है, तभी मेडिटेशन शक्य बनता है। कई साधकों को मेरी तरह एक एक घंटे का, दो घंटे, चार, पांच, छह, सात सात घंटे का ये ध्यान का अनुभव है। ध्यान में बहुत सारी प्राप्ति होती है, हमें पता नहीं चलता। धीरे धीरे इस सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, व्यावहारिक, वैचारिक सभी प्रकार से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारी प्रगति होती है। तो ऐसे सदगुरु पाना, इस वर्तमान समय की मैं बात करूं, हम सोशल मीडिया में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, चमत्कार करने वाले, ऐसे हाथ घुमाया, चेन निकाला, बोल दिया कि भी आज से समोसा और चटनी खाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा।
आशीर्वाद दे देते। ऐसे समय में इस प्रकार के गुरु जो लाखों में बहुत शायद न मिले, ऐसे सदगुरु हमें प्राप्त हुए हैं। हमारे, मैं तो कहता हूं कि हमारे, हमारा कोई प्रयास नहीं रहा, हमें सहज में मिला है सदगुरु, सहज में मिला है सहज में मंत्र मिला है, सहज में ध्यान होता है और सहज में हमें सुख और शांति आनंद की प्राप्ति भी होती है। बापू आज इसलिए याद आ रहे, मैं एक दफा ओशो का प्रवचन सुन रहा था। ओशो ने कहा कि मुझे बुद्ध बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मैं गुरु हूं। आप सभी ने सुना होगा, यहां बापू अपने प्रवचन में हमेशा कहते थे कि मैंने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया, मैं कंठी नहीं बांधता, मैं गुरु नहीं हूं। हमारे सबके गुरु ये दत्त महाराज है। बापू हमेशा कहते थे कि हमारे सबके सदगुरु ये दत्त महाराज है। ये भी कहते थे कि हाँ, मैं चौकीदार हूं, मार्गदर्शक हूं, मैं दत्त के पास ले जा सकता हूं। इतनी ताकत थी दत्त के पास। कोई बाबा, कोई गुरु, कोई संत चमत्कार करके मान लो भौतिक संपत्ति भी दे सकते, सुख भी दे सकते, लेकिन हमारा जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, आत्मा का कल्याण, ये ऐसे सदगुरु ही दे सकते हैं। हमेशा बापूश्री ये भी कहते थे, एक बुक में उन्होंने गुरु और शिक्षक का फर्क समझाया है। गुरु किसे कहते हैं और शिक्षक किसे कहते हैं? शिक्षक, टीचर, शिक्षक जो है, अगर कोई व्यक्ति उनके पास प्रश्न लेके जाता है तो सॉल्यूशन देता है, और गुरु सॉल्यूशन नहीं अपने जैसा बनाता है, ये गुरु है। बापूश्री हमेशा कहते थे कि मैं जो कहता हूं मत मानो, खुद अनुभूति करो, अनुभव करो, फिर मानो। हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त का जाप करो, ध्यान करो, अनुभूति करो, फिर मानो, तब हम कह सकते हैं कि ऐसे सदगुरु हमें मिले हैं, हम बहुत सदभागी हैं। मेरे अनुभव की बात करूं, 2006 में मैं एलडी में प्रिंसिपल था, देवेश जी का प्रवेश, कॉलेज में प्रवेश और मेरा दत्त परिवार में प्रवेश एक साथ में हुआ। जब समय आता है, कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न तो किसी को मिला है न मिलेगा। मैं तो कई दफा जूनागढ़ आता था, महीने में एक दफा अहमदाबाद से जूनागढ़ आना जाना रहता था। मैं एक बार भी 2006 के पहले इस आश्रम में नहीं आया था, क्योंकि 2006 में लिखा होगा कि भाई देवेश जी आएंगे, प्रवेश होगा और मेरा भी प्रवेश होगा। 2006 में दिलीप भाई मेरे पास लेके आए, एडमिशन का एक महीना निकल गया था, क्लास स्टार्ट हो गए थे, मैंने एडमिशन दे दिया। ऐसे तो मुश्किल था, घर जाके मैंने एक शर्त रखी, दिलीप भाई और देवेश जी थे, मैंने शर्त रखी कि बापूश्री यहाँ पधारे हैं, मुझे दर्शन करने हैं, अगर दर्शन करवा सकते हो तो मैं एडमिशन दूंगा। उन्होंने हाँ बोला, बापू से कहा वे चावड़ा जी की शर्त है, मैं तो कभी नहीं मिला था। बापूश्री का फोन आया, बापूश्री ने जो शब्द बोले थे वही शब्द मैं बता रहा हूँ। बापूश्री का फोन आया कि चावड़ा जी एडमिशन मत दीजिए, कोई पिता अपने बच्चे के लिए एडमिशन नामुमकिन हो और एडमिशन मिले, कोई बोलेगा नहीं। बापूश्री ने कहा चावड़ा जी एडमिशन आप मत दीजिए, मेरे कारण आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। देखो देवेश जी का नहीं सोच रहे, मेरा सोच रहे, भाई आपको कोई तकलीफ मेरे कारण नहीं होनी चाहिए, ये सदगुरु है। उसके बाद मैंने कहा, मैं शाम को दर्शन करने गया, मैंने कहा मुझे जूनागढ़ आना है, मैं जूनागढ़ आया। बापू ने यहाँ इसी छतरी में बिठाया, मुझे ध्यान करवाया, हम हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे, पहली बार आए थे। बापू ने ध्यान में बिठाया, पहली बार 7 घंटे का ध्यान लगा, 7 आवर।
शक्तिपात हुआ। मेरी मिसेस घबरा गई, बापू को बोले कि क्या हो गया इसको, उठाओ। तो बापू ने कहा कि गीता बहन, चावड़ा जी को जो मिल रहा है आप सोच भी नहीं सकती, ये मिल रहा है। आज ये घटना, ये प्रसंग मैं याद करता हूं तो मुझे आज भी इतना आनंद आता है। पूरा मानस पटल पर ये चित्र, ये पिक्चर आ जाता है। शक्तिपात हो रहा है, शांति मिल रही है, ठंडा पवन आ रहा है। ये जो अनुभव आज से 17 साल पहले का आज भी याद करता हूं तो आनंद आता है। एक दफा कॉलेज से, पहले यहाँ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की भी शिविर लगती थी, मैं गुजरात यूनिवर्सिटी NSS की शिविर में 110 छात्रों को लेकर यहाँ आया था। ये जो छात्र थे एक कॉलेज के नहीं थे, अलग अलग कॉलेज के 5-5 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। BJ मेडिकल कॉलेज के भी छात्र थे, LD इंजीनियरिंग कॉलेज के भी थे, MJ साइंस कॉलेज के भी थे और आर्ट्स के भी थे। ऐसे अलग अलग कॉलेज के 5-5 छात्र करके 110 रिप्रेजेंटेटिव NSS के वॉलंटियर्स यहाँ 3 दिन रहे। बापू साधना में थे, मैयाश्री यहाँ नहीं थी। मैसेज अंदर भेजा कि चावड़ा जी आए हैं, NSS के वॉलंटियर्स भी है, ध्यान में बैठना है। बापू ने अंदर से मैसेज भेजा कि धुन ध्यान करवाओ, सबको ध्यान लगेगा, सबको अनुभूति होगी। 110 छात्र थे, मेडिकल के भी स्टूडेंट थे। यहाँ ध्यान कैसेट बजाए, कैसेट के ऊपर 110 में से करीब 90% स्टूडेंट्स को ध्यान लगा 3-3 घंटे तक। दूसरे दिन हमारा कैंप पूरा होना था, हमने सोचा क्योंकि हम तो जानते हैं कि ध्यान है, हमने सोचा कि घर जाके कहेंगे कि भाई वहाँ तो हिप्नोटिज्म जैसा कुछ था, हिप्नोटाइज हो गए थे, गलत मैसेज जाएगा। फिर हमने दूसरे दिन सारे छात्र को इकट्ठा किया और सबसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या अनुभूति हुई, क्या देखा, कल क्या महसूस हुआ। तो सबके जो अनुभव थे ये जान के आप भी तंग रह जाओ, ऐसे ऐसे अनुभव ये छात्रों को हुआ। 2 फैकल्टी को भी ध्यान लगा। 2 साल पहले जब मैं वाइस चांसलर था भावनगर, उसी टाइम भावनगर केंद्र के द्वारा कार्यक्रम था, बापूश्री भावनगर पधारे थे, उधर 2-3 दिन में ध्यान का कार्यक्रम था। वहाँ के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है गजेंद्र भाई परमार, कल भी मुझे मिले थे, वो ध्यान में गए, पहली बार गए, ध्यान लगा। कल मैं मिला तो बोल रहे थे कि मेरी जिंदगी में आज मुझे ये जो बना, ये जो घटना, मुझे जो ध्यान लगा और जो अनुभूति हुई, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जो मैं वर्णन कर सकूं। ऐसे ऐसे अनुभव कई साधकों को यहाँ हुआ है, शांति मिली है। ये चाहे परिवार की शांति हो, स्वास्थ्य की हो, संतान की हो, इस समय में ये सबसे बड़ी मैं मानता हूँ कि उपलब्धि है। आज जब हम इस गुरुस्थान के साथ जुड़े हैं तो एक गुरुस्थान में, इस आश्रम में, आप सब जानते हैं कि बहुत सारी प्रवृत्तियाँ होती है। 2 आश्रम है, ये हमारा गिरनार साधना आश्रम और त्रिमूर्ति आश्रम जो ऋषिकेश में है। दोनों जगह पर कई सारी प्रवृत्तियाँ, यहाँ की हम बात करें तो भोजनशाला है, गौशाला, साधना कुटीर, निवास स्थान, ये पूरा आश्रम, त्रिमूर्ति मंदिर। जब कुंभ होता है या तो शिवरात्रि जैसे प्रसंग होते हैं तो उसी टाइम साधु संतों के लिए भंडारा होता है, नारियल पानी, नाश्ता की व्यवस्था। गिरनार तलेटी में पानी की परब नहीं थी तो आज परब चल रही है आश्रम की ओर से। मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, विधवाओं को सहाय, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ऐसी ऐसी प्रवृत्ति आज जब आश्रम में चल रही है, बापू की स्थूल स्वरूप में उपस्थिति नहीं है, तब मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व बनता है कि हम तन मन और धन से इस आश्रम के साथ, हमारा गुरुस्थान के साथ जुड़े रहे। और लास्ट में बापू श्री, मुझे ख्याल है कि बापू श्री की ये इच्छा थी कि यहाँ हमारा गुरुस्थान में, ये जूनागढ़ में एक मंदिर बने। हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, ये मंत्र का प्रचार और प्रसार हो और ये मंत्र के द्वारा
विश्व में शांति हो, कल्याण हो, इस भावना बापूश्री की थी। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि हम सब साधक बहुत भाग्यशाली हैं, इस स्थान के साथ जुड़े हैं, हमारा कल्याण अवश्य है। तो ऐसे गुरु स्थान में कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, दत्त जयंती हो, या तो ऐसे भी, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम तन मन और धन के साथ यहाँ जुड़े रहे। फिर से दत्त महाराज के चरणों में, मैया श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए और आपको जय गुरुदत्त कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु, जय गुरुदत्त। धन्यवाद चावड़ा साहब। चावड़ा साहब के बात सुनकर ऐसा लगता है कि पूज्य बापूश्री अपने साधकों को कहाँ कहाँ से किस तरह से अपने पास खींच लाते हैं, कल का पता नहीं, और आज बापू के अनन्य साधक सेवक बन जाते हैं। आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर उमा जी मौजूद हैं। अगर उमा जी से आप पूछिए कि बापूश्री के बारे में बताइए, तो समय की कोई पाबंदी नहीं, घंटों नहीं दिनों चल जाएंगे, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। आज हम आदरणीय डॉक्टर उमा जी से कुछ सुनना चाहेंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर उमा जी से विनती कर रहा हूँ कि अपने आशीर्वचन सुनाए। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम्, त्वमेव त्वमेव सर्वम्, मम देव देव परम पूज्य बापू श्री की जय। परम पूज्य बापू श्री की जय। दत्त महाराज की जय। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। होली का आज पर्व है, पूनम है, होली का पर्व है। तो बोलो सदगुरु देव की जय। होली का आज पर्व है, पूनम का आज दिन है। तो छोटी सी कथा होली को लेके, हम सब जानते ही हैं प्रह्लाद के कि हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद को कृष्ण भगवान का नाम नहीं लेने के लिए जो दंड दिया लेते थे, उसकी वजह से जो दंड दिया था, उसमें होलिका को वरदान था कि उसको आग कुछ नहीं कर सकती, एक चद्दर थी जो वो अपने ऊपर ओढ़ लेगी और आग में जाएगी तो उसको आग जला नहीं सकती, वो बहन थी। तो हिरण्यकश्यपु ने बोला कि अब खुद का बेटा, उनका खुद का संतान, उनका खुद का अंश, जब इस हद तक एक पिता अपने पुत्र को करने पे पहुंच जाता है, तो ऐसी मानसिकता को हम लोग राक्षस कहते हैं। जब वो अपने पुत्र को कृष्ण का नाम लेने से रोकने के लिए जलती आग में जलाने की कोशिश किया और चिता पे उसको अपनी बहन की गोदी में बिठाया, तो होलिका बैठ गई और उसने वो अपनी चद्दर ओढ़ ली। जब आग प्रकट हुई तो जो ये खाली श्री राम, ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हीनाथ नारा यणवा सुदेवा, बस कृष्ण भगवान नाम लेके आंख बंद करके बैठे रहे, और हवा का झोंका आया
वो चद्दर उड़ के सीधा बालक पे गिर गई और होलिका वहीं के वहीं जल गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये हमको प्रमाण दिया है कि अच्छा करो, और आज के दिन जैसे होलिका का दहन हुआ, अपने अंदर की सारी कड़वाहट, अपने अंदर की सारी बुराइयाँ, अपने अंदर के सारे दुष्कर्म सबको उस होलिका की अग्नि में जला दो, एक स्वच्छ पवित्र आत्मा बन के रहो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। आपके साथ भी अगर कोई बुरा करेगा तो ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल लोग हैं, मेरे साथ कोई बुरा करेगा तो मैं उसका अच्छा तो नहीं ही करूँगी, लेकिन भगवान से मैं जाके उसको अपने कर्म पे छोड़ देती हूँ। तो आप छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं सीखती हूँ, आपको कह सिखाना चाहती हूँ। कलयुग है तो हम लोग भी कलयुग के लोग हैं, हम लोग सतयुग या त्रेता या द्वापर के लोग नहीं हैं। उस टाइम के जो संत महात्मा थे उनकी तो दया की और परिकाष्ठा ही कुछ और थी, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम दत्तात्रेय की शरण में आए हैं तो कुछ तो करें, किसी का बुरा ना करें। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके साथ बुरा मत करो, भगवान पे छोड़ दो, भगवान आप देख लेना मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया है, आपको जो लगे वो आगे करना और फिर देखो, आज नहीं तो कल आपको उसका परिणाम दिखेगा। ना किसी के साथ बुरा करो, और अपने साथ बुरा हो तो, अगर अपना गलती नहीं है तो बुरा हो तो सहन मत करो। सहनशीलता अच्छी बात है, लेकिन हर एक चीज़ में सहनशीलता की एक पराकाष्ठा भी होनी चाहिए। आपको अपना स्वमान भी रखना चाहिए, स्पेसिफिकली लेडीज़, हम लोग औरतें हैं, हम लोग घर संभालते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करो, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी गरिमा, अपनी जो जगह है वो रखो, अपना स्वमान रखो। और बापूश्री यही कहते थे, सब लोग एक जैसे हैं, माताएं पुरुषे सब लोग, तो अपने आप को इक्वल समझो। बापूश्री अभी आज एक साल हो गया उनको हमारे बीच से स्थूल रूप से गए हुए, मेरे को अभी तक विश्वास ये चीज़ का नहीं होता है, आज तक नहीं होता है। लोग कहते हैं कि टाइम जशे तम थई जशे तम निकली जशो, बहुत आसान है, गुजराती बोलो समझे छे बता, हिंदी बोल देती, दोनों बोल देती हूँ, तो आसान है बोलना निकल जाएंगे ये, लेकिन जिस पे बीतती है आसान नहीं है, रादर वो शब्द ही गलत है कि जैसे टाइम जाएगा आप हील हो जाएंगे, वो कभी हील नहीं होता। हर एक दिन मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, ऑपरेशंस करती हूँ, बाहर घूमने जाती हूँ, अपने बच्चे के साथ घूमती हूँ, अपने फैमिली के टाइम साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, हंसती हूँ, खेलती हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ हमेशा मेरे को खलती है कि मेरे पिता नहीं है मेरे साथ। मैं रोज़ सुबह जब निकलती हूँ तो रोज़ सुबह उनको 10 से 10:30 के बीच में फ़ोन करती थी, कैसे हैं डैडी, तबीयत अच्छी है ना, उसके अलावा और कुछ बात करती थी तो उनको समझ नहीं आता था, उनको सुनने का दिक्कत था, तो सुनते कुछ भी कम्युनिकेट करना हो तो देव को बोलती थी कि ये बात बोलना, बस खाली मेरे को मालूम है उनको कुछ ज़्यादा मैं बोलूँगी वो सुनाई नहीं देगा, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने के लिए रोज़ करती थी। अब वो एक साल से नहीं सुना, वो जो असर होता है, वो जो फील है, आप लोगों के साथ तो आप लोग उनको हर तीज त्यौहार पे आते थे, सुनते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, उसके बाद भी आप लोगों को इतना उनका महसूस होता है, मैं तो बेटी थी उनकी, बेटी हूँ उनकी, तो जो रोज़ उनकी आवाज़ें सुननी होती थी, वो जो रोज़ छोटे छोटे थे वो सब नहीं कर पाती, और उसका वो जो शॉक है, वो जो सेटबैक है, वो जो हिट करता है, वो उससे कभी उभर नहीं पाऊंगी।
कभी नहीं उभर पाऊंगी, ना मैं ना आप लोग। जैसे समय जाएगा वैसे हम लोग निकलेंगे, ये सब गलत है। वो जो खामी है, वो जो गैप है, वो हम कभी नहीं भर पाएंगे। उसके उससे हमें उससे क्या बताऊं, उसके लिए हमें हिम्मत देने के लिए वो लाला जी को देव को छोड़ के गए हैं कि आप मेरी जगह पे लोगों का मार्गदर्शन करना, मेरे बाद ये आगे बढ़ाना, और वो बरोबर से कर रहे हैं। लेकिन बापू श्री तो एक ही थे, और वो कभी अभी ऐसा महापुरुष न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ था न हुआ है, और मैं तो बेटी हूँ बोल सकती हूँ ना कभी होगा। अभी इस पुण्य तिथि पे चाहे कुछ भी बोलो, हम लोग बाहर रहते हैं, जब हम यहाँ आते हैं ना, जब ये दामोदर कुंड के आगे वाला जब वो पाठ शुरू होता है, तो उनका ना वो दृश्य नजर आने लगता है कि अब हम बापू श्री को देखेंगे, अब हम बापू श्री को देखेंगे। हाँ, इस बार जब मैं आई तो भी मेरे को हो रहा था, अब जा रही हूँ मैं आश्रम, जा रही हूँ मैं आश्रम, मेरे को मालूम है कि अभी वो स्थूल से नहीं है वहाँ पे। लेकिन आने के बाद उनका सूक्ष्म का यहाँ पे प्रेजेंस फील होता है, और वो तभी होता है जब हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे जो उनका सूक्ष्म का जो हमें प्रेजेंस फील होता है, जो आशीर्वाद हमको मिलता है, मेरे घर में तो मैं मेरे सब हर जगह पे, हर मेरे घर में हर एक कमरे में सब जगह पे मैंने उनकी फोटो रखी हुई है, मैं उनको अपने पास लेके सोती हूँ। लेकिन यहाँ पे आके ना उनको छुआ, ना उनको फोटो देखा, ना कुछ, लेकिन मेरे को लगता है कि वो यहाँ हैं। तो यही फर्क है अपने घर में और ये आश्रम की भूमि में। यहाँ रहे हैं, यहाँ जप किया है उन्होंने, तप किया है, यहाँ पे खाया है, यहाँ पे नहाए हैं, यहाँ पे घूमे हैं, तो आश्रम की कण कण में बापू हैं, हर पेड़ पौधे में बापू हैं। यहाँ की ये डालियाँ देख लो, मोर देख लो, कैरी के मोर हैं, पीपल का पेड़ है, हर एक जगह पे उनकी मेमोरीज हैं। वो जो फील आपको आता है, वो जो आशीर्वाद आपको मिलता है, वो घर पे बैठ के नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, उनका प्रेजेंस भी नहीं फील होगा। यहाँ पे जब आएंगे तो उनसे वो एक तार है, लेकिन वो लंबी है, अपने घर तक भी पहुँचती है बापू श्री की, वो तार लंबी है। जब तार को छोटी कर देते हो ना, तो वो जो इंटेंसिटी होती है, जो इंटेंसिटी से आपको उनका ऑरा फील होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से हमको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, अरे आप कुछ भी मांग लो, अच्छी चीज़ें, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से, मेरे को तो पहले से भी दिया है, अभी भी मैं जैसे छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ, पहले कहीं पे फंस जाती थी, कुछ होता था तो डैडी को बोलती थी, डैडी अच्छा ये हुआ है, आप एक बार प्रे कर देना बस, और कुछ नहीं, खाली भगवान का नाम ले देना। अब किसको बोलूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि अभी बीच में कुछ टाइम पहले सब कुछ अच्छा है, मेरा बेटा देवम अच्छा सा अच्छा है, हर्ष का, हमारा फैमिली सब, एवरीथिंग इज़ गुड। बीच में पता नहीं क्या हो रहा था, हमारा फैक्ट्री है सूरत में, तो फैक्ट्री के जो मशीन्स हैं, छोटे छोटे इश्यूज आ रहे थे। अच्छा अब ये पंप खराब, पंप बंद हो गया, उसको रिपेयर कराना है। अच्छा अब ये बॉयलर में पानी गर्म नहीं हो रहा है। अच्छा अब इसमें इतना टेम्परेचर, तो रोज़ एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो कभी होती नहीं थी अचानक से होने लगी। अब वो बेचारा हर्ष, मेरा हस्बैंड, 11 बजे तक बेचारा उधर मेहनत कर रहा है। मैंने कहा, कहते हैं यार पता नहीं क्या हो रहा है, करके आता हूँ सुबह, फिर ठीक ऐसा हो जाता। मैंने कहा रुक, थोड़ा भगवान का नाम, तू मेहनत कर, मैं थोड़ा नाम ले लेती हूँ। तो कुछ नहीं, बापू श्री को याद किया, नाम लिया। उस दिन वो एक दिन गया था, 11 बजे आया, दूसरे दिन से आज तक फैक्ट्री में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सारे मशीन अच्छे से चल रहे हैं। अब ये बताओ, मशीन को कैसे मालूम कि ये किया है? तो भगवान है, और वो हमारी छोटी 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 चीज़ों का भी ध्यान रखता है। आपको पता नहीं चलता कि हे भगवान मेरा साथ दे देना, अब वो सुन लिया और दे दिया, फिर भूल जाते हो कि हमने नाम लिया था भगवान का। तो कर्म करो, कर्म करना है, बिना कर्म किए भगवान का नाम लोगे, ये कर दो वो कर दो, पूरा दिन माला जपोगे, तो नहीं होता।
माला जपना जरूरी है, लेकिन साथ साथ में कर्म करना भी जरूरी है। खाली कर्म करने से भी कुछ नहीं होता है, साथ साथ में माला जपना भी जरूरी है। दोनों चीज का ट्यूनिंग अगर होता है आपकी लाइफ में तो कोई आपको पीछे नहीं ला सकता। दुनिया में आपको आपसे जलने वाले बहुत मिलेंगे, आपको पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे। अच्छा ये इतना अच्छा क्यों है, अच्छा इसका ये इतना अच्छा हो गया, अच्छा इसको इतनी अच्छी बीवी मिल गई, इसका बेटा इतना अच्छा है, ये घर परिवार इसको अच्छा है, मेरा ये नहीं हो रहा। वो छोड़ दो, दूसरों को देखने की जगह जब आप अपने आप में देखोगे, मैं क्या करूं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं कि मेरा ये अच्छा हो, जब दूसरों का नहीं अपने बारे में सोचोगे ना तो वो भगवान भी आपके साथ रहेगा। दूसरों का अच्छा करो, मैं क्या करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ, मैं जहाँ पे वर्क करती हूँ सूरत में हॉस्पिटल है, तो अभी आप सोचो मैं वहाँ पे मेरा कंसल्टेशन फीस होता है, ऐसा नहीं है मैं फ्री में देखती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं सर्जरीज करती हूँ, ऐसा नहीं है मैं फ्री में करती हूँ, मेरा चार्ज है, मैंने इतना पढ़ाई लिखाई करी है तो मेरा हक भी है लेने का। लेकिन जब कोई एक गरीब पेशेंट आया, बेचारा किसी से पैसे मांग के आया था, मैं तो कैबिन में रहती हूँ, मेरे को मालूम नहीं होता है, वो आया कहता है बेटा मेरा ये दिक्कत है, आँख में ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा तो पहले क्यों नहीं आया, ये जल्दी आना चाहिए था, तो पैसे नहीं थे मेरे पास, मांग के लेके आया। तो मैंने उसको बोला अगली बार से पैसा बिना पैसे के देखूंगी, कभी भी कुछ भी हो तो ऐसे ही आ जाना। आज तक वो आता है, मैं फ्री में देखती हूँ, मैं उसको दवाइयाँ भी मेरे पास से फ्री में देती हूँ। और हिंदू नहीं, वो मुसलमान है तो मेरे को कहता है बेटा अल्लाह तेरे को खुश रखे, अल्लाह रहम दे, अल्लाह तेरे पे हमेशा खुशी बनाए रखे, आशीर्वाद दुआ बनाए रखे उनकी भाषा में। तो ये जो छोटी छोटी दुआएं मेरे को मिलती रहती हैं वो काम करती हैं, वो आगे लाइफ को ले जाने में, आप लोगों की लाइफ में भी करेंगी। आपको कोई प्रॉब्लम है ना, आप किसी चीज़ में फंसे हो, आपको कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अरे हाय मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, अच्छा करो ना किसी का, 10 गुना मिलता है। बापूश्री भी कहते थे आप किसी का अच्छा करोगे, आप अगर 100 रुपया दान दोगे तो आपको 1000 रुपये भगवान वापस देता है। ये कर्म का चक्कर है, किसी का ऋण किसी पर रखता नहीं है, कर्म का चक्कर है, आप जो दोगे वो मिलेगा। अगर आप बबून बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, अगर आप फूल बोओगे तो आपको गुलाब बोओगे तो गुलाब मिलेंगे, आप अगर जैसा करोगे आपको सामने वैसा ही मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि आप सोचते हो कि मेरे साथ इसने बदतमीजी कर दी, मेरे साथ ये ऐसे कैसे मेरे को, वो मेरा बॉस है, इसने मेरे साथ ऐसे कैसे बोल दिया, मेरा इंसल्ट कर दिया, चले जाओ, ऐसा कुछ भी। आपको कभी भी ऑफिस है, वर्क प्लेस है, घर है, कहीं पे भी आप सोचते हो कि अच्छा इसने मेरे को ऐसे कैसे, फिर आप सोचो जब आपके घर में आपकी मेड आती है आप भी तो बोलते हो उसको, तो वो नहीं सोचती होगी कि इसने मेरे को ऐसे 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 कैसे बोल दिया, आपने उसको बोला, आपको आपके बॉस ने बोला। तो ये चक्कर है ना, आप अगर सबसे अच्छे से रहोगे ना तो आपका चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे पटा वाला हो, चाहे भंगी हो, सब आपसे प्यार करेंगे, और आपका भी यही कर्तव्य है। बापूश्री यही कह के गए हैं, हम ह्यूमन है, ह्यूमंस हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रंग नहीं है। अब जब ये दृष्टि आएगी तो सब में दत्तात्रेय है, जैसे देव ने भी कहा था सब में भगवान देखो, सब में दत्तात्रेय देखो, तो आप खुद ही आपका वर्तन व्यवहार सब चेंज हो जाएगा। बापूश्री के बारे में और क्या ही बोलूं मैं, हर दिन हर कण हर समय उनको याद करते रहते हैं। अभी 1 साल कल जब उन्होंने अपना स्थूल शरीर छोड़ा था, 1 साल पहले की बात करूं तो उस दिन सुबह मेरी बात हुई थी, बापूश्री को पूछा था तबीयत और सब ठीक है, कहते हैं हाँ बेटा बहुत ठीक है, मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहते नहीं बिल्कुल ठीक है कुछ नहीं। मदर्स डे था उस दिन जिस दिन ये हुआ, तो सपने में भी सोचा नहीं था। उसके हफ्ते पहले शिवरात्रि थी, तब मैं खुद आके यहाँ पे उनसे मिल के गई थी, तब भी एकदम बढ़िया थे, 100 दादर चढ़ के गए थे ऊपर
गिरना, दत्त भगवान के ऊपर तक जाए क्या मम्मी? ऊपर तक दत्तात्रेय के यहाँ पे दर्शन करके आए, अपने सारे कार्य जो थे सब ने खत्म कर दिए उन्होंने, कुछ भी लिखा जमा जोखा नहीं रहा। फिर क्या पता, हमने सोचा था कि और थोड़ा अच्छे से, इतने अच्छे इतने हेल्दी थे कि सोच भी नहीं सकता था कोई कि जिस तरीके से वो चले जाएंगे और जिस तरीके से गए, बहुत बड़ा शौक हम सबको लगा। अभी उससे निकलने का, उसको एक्सेप्ट करने का मैं तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि अभी बापूजी नहीं है। अभी भी मेरे को दिखता है, जब यहाँ पे उनको रखा था, उनके पार्थिव शरीर को रखा था, जब उनके दर्शन कर रहे थे सब लोग, मेरे को लगता था अभी उठ जाएंगे, अभी उठेंगे। लेकिन जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, दुनिया का दस्तूर है, आगे बढ़ना है, उनको साथ में लेके आगे बढ़ना है और यहाँ आते रहना है। जो जुड़ाव पिता से, जैसे शादी करके हम ससुराल जाते हैं तो पिता से जुड़ाव रहता है, लेकिन जब मायके आते हैं तो वो अलग ही फीलिंग रहता है। तो मेरे हिसाब से ये हम सबका मायका है, बाकी फिर हम अपने ससुराल अपने घर में काम में चले जाते हैं, लेकिन मायके आता रहना चाहिए, मायका कभी छूटना नहीं चाहिए। इसी तरीके से आप सबसे विनती है, गुजारिश है कि आश्रम में आते रहिए, बापूश्री की जो प्रेजेंस है वो फील करते रहें और उनको याद करते रहेंगे हमेशा हमेशा। मैया जी हैं हमारा गाइडेंस करने के लिए, हमको आगे पथ पे चलाने के लिए, इतनी धुरंधरों को साथ हमारे पीछे छोड़ के गए हैं, मैया जी हैं, देव हैं, वो लोग हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मेरे से जितना बन पड़ेगा कोशिश करूँगी, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन हम सब मिलके अभी जो उनका जो ये मंत्र है हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया एक ही चीज़ के लिए, कल्याणकारी मंत्र के लिए, अपने ह्यूमन रेस के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो वो हमारा प्राण होना चाहिए, बहुत बड़ा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की, जो हमारे कंधे पे छोड़ के गए हैं, बच्चे बड़े हो गए अब हमारे कंधे पे छोड़ दिया है, तो हम लोगों को प्रण लेके ये मंत्र पूरे विश्व में फैलाना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए, जिससे सबका उद्धार हो, जो बापूश्री चाहते थे, जो उनकी एकमात्र इच्छा थी। मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है इस समय बोलने के लिए, मैं भी काफ़ी भावुक हूँ, एक भजन गाएंगे और फिर खत्म करेंगे। आसरा ओके, सब साथ में गाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। उमा जी बोलते ही रहते, हमको ऐसा लगता है सुनते ही रहिए, और अंत में बहुत ही अच्छा भजन, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले। इस जहाँ से कभी किसी को आसरा मिला ही नहीं है, और सहारा हमेशा ऊपर वाला नहीं दिया, ये सब हम जानते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब पूज्य बापू श्री का एक वीडियो सत्संग हम यहाँ प्ले करेंगे। पूज्य बापू श्री का ये वर्चुअल सत्संग, वीडियो सत्संग देख के हम पूज्य बापू श्री की उपस्थिति का अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। मैं अपूर्व भाई से विनती करता हूँ, पूज्य बापू श्री का वीडियो सत्संग प्ले करें।
हम तो जीवो नास्तिक एको हम बहुत श्यामी, मैं भेदभाव नहीं मानता हूँ और भेदभाव वालों से दूर रहता हूँ, हर जगह रहता हूँ, मेरा ऋषि जीवन है। किसी पंथ संप्रदाय अखाड़े एक अखाड़े में नहीं हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, सब में मैं हूँ, असल मेरे में है। हूँ आंतरिक देते चौबीस कलाक स्वस्थ रहूँ, हम बहुत स्वस्थ छू अने कायम रहीश, कोई आदि व्याधि नहीं। पर जे गाड़ी में बैठा छू ये गाड़ी क्यारे क्यारे का बारे नवी गाड़ी अमुक टाइम पाछे एक टाइम खटके એટલે ગાડીને રિપેર કરાવીને ફરી હું કામ કરું છું, પણ હું નહીં તો સ્વસ્થ છું। ડાક્ટરે બોલે છે કે બહુ ઓછા બોલતા બોલજો, હું બહુ કમતી બોલીગા और टेंशन मत रखिएगा। तो टेंशन तो आपनों का मुझे है और मुझे तो अपना कुछ टेंशन है नहीं। अभी टेंशन जाए किसे बड़ी मुश्किल है, आप लोगों का टेंशन मुझे रहना ही चाहिए, मुझे और कोई टेंशन नहीं है। ज्यादा आराम करिएगा तो आराम तो करता हूँ, इस गाड़ी को आराम मुझे उठा देता हूँ और सक्रिय हो जाती है, तो ये सहज है, मिटता नहीं है। डॉक्टरों ने ना बोला है फिर भी मैं सुबह से बोल रहा हूँ, तो मेरे यहाँ गाय आई रही, गाय बहुत अच्छी गाय रही, जर्सी नहीं रही पर बहुत अच्छी रही। तो दिन में जितने बार खड़ी रहे जितने बार दो इतने बार दो उन्हें देती रही, जितने बार दो उतने बार दूध देती रही। बाद में तो बच्चे जाकर के उसका स्तर मुंह लेकर चूसते रहे, इतनी सरल हो गई रही। वही आला आज हमारी है। तो सुबह से तो बोल रहा हूं, इसमें कोई डॉक्टर है नहीं ना, तो बोलता है महाराज आपको रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन कभी कभी गाड़ी का उपयोग ठीक कर लेना चाहिए। तो चलो ठीक है, जितना तो होना हो तो हो। हमारी जगदम्बा जो है वो ऋषि के बैठी हुई है, बड़ी इच्छा रही आ नहीं सकी है, वो सदगुरु ने उनको लाकर यहाँ रखा है, लेकिन वो सरस्वती है, बड़ी मीठी है, बुद्धि और ज्ञान प्रखर है उसके अंदर, और लक्ष्मी की है, उसके आने पर ही सारी सब रचना हुई है, और खप्पर वाली महाकाली भी है, जब लेती है खंजर तो तब खटाखट काट देती है, तो उसका तीनों स्वरूप है, वो महाकाली स्वरूप भी है, इसलिए मृदुभाषी भी है और कटुभाषी भी है, जहाँ जो जरूरत पड़े वो उसका प्रयोग कर लेती है, लेकिन अंदर से बड़ी मीठी है, बड़ी मुलायम है, बड़ी कोमल है। वो गुरु कुम्हार घट शिष्य है, गड़ी गड़ी कारे खोट, अंदर बाह सहार दे बाहर मारे चोट। कुम्हार गड़ा घड़ा गढ़ता है ना, तो हाथ रख करके फिर टपला ठोकता है, मारता है इसलिए कि सीधा हो जाए, लेकिन टूट जाए ऐसा नहीं मारता है। तो हमारी जगदम्बा ऐसी है कि वो जरा ठोकती भी है, लेकिन सहारा भी रखती है कि टूट ना जाए, बांका न हो जाए, सीधा करने का प्रयोग करती है। तब मानस पूजन करते हैं अपने अंदर सभी देवताओं का आवाहन करके, आवाहन करके ध्यान करते जगा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शरीर में आपके भगवान विराजमान, इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया है, तो कोई रोग नहीं है, कोई दर्द नहीं है, आप स्वस्थ हो, इसमें नियम संजय में रहकर खाओ पियो कर भगवान का नाम ले। ये जिंदगी केवल खाने कमाने और बिता देने के नहीं है, मौत शौक के लिए नहीं है। ये शरीर प्राप्त करके मद्यपान मत करो, दारू मत पियो, अमल मत सेवन करो जिससे कि मकान बिगड़ जाए। ये सुंदर मकान भगवान ने दिया है भगवत प्राप्ति के लिए, ये बारंबार नहीं मिलता है, इसको प्राप्त करके इसको ठीक से सांसो,
गंदी वस्त्र मत नापो, नहीं तो सारी इंद्रियां नष्ट टूट जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, फिर थोड़े उम्र में बीमारी आ जाएगी, फिर आप चलते हो जाओगे। छोटे जितने उम्र आयुष है आपकी, इसमें जो है शुभ कर्म कर लो, जितना हो सके परमार्थ कर लो, किसी का भला कर लो। बहुत से लोग कमाते हैं और गरीबों को, दुखियों को, जरूरतमंदों को दान देते हैं, खिलाते हैं, उनको समझ है कि अच्छा कर रहे हैं। ये बहुत सोच समझ की बात है, ये मैं बहुत ज्यादा ही बोलूं तो लगेगा कि बापू को कुछ चाहिए, हमको कुछ चाहिए नहीं, केवल वोट देने के लिए बोलता हूँ। यहाँ विश्व में नव बने ऐसा दत्त मंदिर बन रहा है, कहीं नहीं बना होगा। इस मंदिर में जो आएगा वो मस्तक टेकेगा, आपके पैसे से बने हुए दीवार को परिक्रमा करेगा, धूप करेगा, हाथ जोड़ेगा। हमारे का मतलब है कि आश्रम धारियों को भी ऐसा परमार्थ करने का चांस मिलता। हम खुद भजन कर रहे हैं और भक्ति करके आत्म कल्याण के तरफ जा रहे हैं, लेकिन दत्तात्रेय को मैंने बोला आप मिल गए, अब मैं हिमालय जाकर वही शरीर छोड़ू। तो बोला कि तेरे से पहले मेरे को आत्मज्ञान ज्यादा है, मैं जाकर हिमालय में बैठकर बैठा रहूं तो तेरे से अच्छा मैं नहीं करूं। ये शक्ति आत्मज्ञान ये पावर दिया जाता है कि तुम दूसरे का भी भला करो, दूसरे का भी कल्याण करो, और इस शरीर में रहते हुए कर्म बंधन में न आओ। जब तुम समझ लेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर का नाम है मेरा नहीं है, मेरे को जाति वर्ण संप्रदाय नहीं है, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, इसके अंदर आया हूँ और आकर के कुछ अच्छा कर्म करने के लिए आया हूँ, कर्म कर रहा हूँ, लेकिन अंदर आप परमात्मा बैठा हुआ है जिसको तुम स्वयं बोलते हो, वो मेरे को जो प्रेरणा करता है वो अच्छा काम करता हूँ, मैं उसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं बनकर जी रहा हूँ कि मेरी बुद्धि विचार अच्छा रखना, सही दिशा में ले जाना, आत्मकल्याण कराना। तो जब वो कराने वाला वो है, आप तो निमित्त बनकर केवल कर रहा है, तो तेरे को कोई बंधन नहीं होगा, पाप और पुण्य तेरे खाते में जमा नहीं होगा, तो हमेशा मुक्त रहेगा। इसी को बोलते हैं जीवन मुक्त अवस्था, कि जीते हुए सब कर्म करना और कहीं हूं नहीं दिखना कि मैं करता हूँ, तू कराता है, तेरे खाते में पाप न पुण्य दोनों जमा है, मैं मुक्त हूँ, ये जीवन मुक्त अवस्था है। किसी भी प्रशंसक को वो सही बोले फिर भी आप पहचाना, आप बड़े धनाढ्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ऐसे हैं, सोचना कि मैं नहीं हूँ, सदगुरु है, भगवान है, मैं नहीं हूँ। और ये लोग जो बोलते हैं आपका टेस्ट भी कर लेते हैं, भगवान टेस्ट कराता है तुम ठीक हो कि नहीं, इधर उधर तो नहीं हो रहे हो ना, अपने जगह पर हो ना, ये बताते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हनुमान जी जैसे बनो, हनुमान जी की बहुत बखान हुई, और हनुमान भगवान राम ने भी बोला है कि भरत जी कपि से उऋण में नाही, कपि के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ, इतनी मेरा सेवा किया है। लंका जला कर आए तो लोग बहुत प्रशंसा किए, वाह हनुमान वाह, भगवान शंकर पार्वती से बोल रहे हैं कि ये कपि का कुछ और नहीं है, नाथ न कुछ मेरी प्रभुताई, कपि की प्रभुताई। इसमें ऐसा है कि प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, जो काल को भी खा सकता है, ऐसी शक्ति हनुमान में है। लेकिन हनुमान बोलता है कि मेरे अंदर राम की शक्ति है, वो काम कर रही है, मैं नहीं काम कर रहा, हर जगह उसकी शक्ति है। ये ध्यान रखिएगा,
आप सबके अंदर सदगुरु विराजमान हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं और आपको नहीं दिखता है। शास्त्र में लिखा है कि सर्वत्र गुरु रूपम तो दृश्यते साधकोत्तम, साधकोत्तम सर्वत्र इष्ट रूपम गुरु रूप। उत्तम साधक जो है सब में अपने इष्ट को देखता है और इनको भी देखता है। आप राम भाई भी हैं, श्याम भाई भी हैं, मोहन भाई भी हैं, लेकिन मेरी एक ऐसी दृष्टि है कि आपके अंदर वो बैठा हुआ वो भी दिख रहा है। जो आप बोलते हैं कि कोहम सोहम मैं कौन हूँ, ये आप खाली सोचते हैं। अब गुरु कृपा प्राप्त कोई सुपात्र साधक को उसकी दृष्टि खुल जाती है, उसको दिखाई पड़ती है। ये गुरु तत्व है, गुरु शक्ति है कि कर्ण परशुराम जी के पास गया है दीक्षा लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए। आप लोग एक बात ध्यान रखना कि स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके अंदर सुंदर भाव टीचर के प्रति रहे कि हमारे गुरु हैं, शिक्षक हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, वो विद्या बड़ी अच्छी होगी, सुसंस्कृत होगी, आपके जीवन में बहुत काम करेगी, आप हर जगह सफल होंगे। अगर नम्रता से अपने शिक्षक के सामने देखते हो, उनके अंदर आदर भाव हो, गुरु का भाव हो, तो विद्या आपके अंदर जल्दी खिलती है। और शिक्षक का, शिक्षक की दृष्टि अपने विद्यार्थियों पर जो अध्ययन करे उनके ऊपर करुणामयी हो कि हे सरस्वती माँ, हे परमात्मा, हे शिव, इनका कल्याण हो और विद्या अच्छा प्राप्त करके आगे बढ़े। तो गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है कि वो उनके प्रति सुंदर भाव रखें और विद्यार्थी को गुरु के प्रति तो चाहे से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण जो है गुरु के पास गया लेकिन थोड़ा असत्य बोल दिया है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय रहा। और परशुराम जी बोलते रहे कि अमुक विद्या जो है अमुक को देनी चाहिए, अमुक को देनी चाहिए। तो उन्होंने कर्ण को सिखा तो दिया लेकिन बाद में समझ गए कि ये छल किया है। कर्ण गुरु जी के खोड़ा में रख कर माथा सोया है, गुरु जी सो रहे हैं कर्ण के यहाँ माथा रख करके, और कर्ण देख रहा है कि गुरु जी कितने आराम से हमारे जंघे पर मस्तक रख कर सोए हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। उसी समय एक जीव आ रहा है, काला काला होता है, भ्रमर जैसे, वो चलते चलते आया और कर्ण के यहाँ काटने लगा, लेकिन कर्ण हिले नहीं कि हिलूंगा तो गुरु जी जग जाएंगे। इतना काटा कि खून निकला उसमें से और खून का दाह धड़ार होने लगा, फिर भी हिला नहीं। गुरु जी उठे, ओहो ये क्या हुआ, गुरु जी एक जीवात काट रहा था लेकिन मैं हिला नहीं क्योंकि आपकी नींद बिगड़ जाए। आंख बंद किए और बोले कि तू मेरे से छल किया है, क्षत्रिय है और पांडवों के खिलाफ में युद्ध करेगा, जितनी विद्या मैं तुझे दिया हूँ रण में जाएगा तो बोझ जाएगा, सारी विद्या जो है तेरे को दिया है लेकिन अंत समय में विद्या काम नहीं आएगी। अगर आचार्य और गुरु किसी भी विद्यार्थी पर और शिक्षार्थी पर अगर करुणा में प्रेम में आदर भाव न रखे तो विद्या नहीं फलती है। इसलिए गुरु शिष्य का बड़ा संबंध है, विद्यार्थी भी ऐसा होना चाहिए, शिक्षक भी ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ की संस्कृति बदल जाती है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हो निर्धन की हो कोड़ी, गुरु से कपट नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, मित्र से चोरी मत करना, इसका फल तत्काल मिलता है। सुदामा और कृष्ण जंगल में गए हैं, ठंडी पड़ी तो संदीपनी के जो माँ देवी हैं
वो चना दे रही सुदामा को कि भूख लगे तो खा लेना। भगवान कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी लेने गए हैं कि गुरु जी के सेवा में कुछ करना चाहिए। पहले के शिष्य ऐसे रहते रहे कि विनम्र होते रहे, शरणागति स्वीकारते रहे और छोटे से छोटे काम करने को तैयार रहते रहे। तो ऐसे भगवान लोग आचार्य लोग सिखाते हैं कैसे जीना। जंगल में ठंडी पड़ी, कृष्ण एक तरफ सुदामा एक तरफ वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, ठंडी पड़ रही थी, भूख लगी है सुदामा जी को, वो चना खा रहे थे। कन्हैया ने बोला, मित्र हमको भी भूख लगी है, कुछ खाता हो थोड़ा हमको भी देना। कह कि कुछ है नहीं, दांत कड़कड़ा रहा है ठंडी के मारे, लेकिन वो चना खा रहे थे। बोले इतना है इसको दे दूंगा तो हमारा हमारी शांति नहीं होगी, इतना झूठ बोले गुरु के साथ। इसलिए वहाँ उनको दरिद्रता रही है, सुदामा जी कायम दरिद्र रहे। लेकिन दरिद्रता दूर करने के लिए जब कृष्ण के यहाँ गए हैं और वहाँ उनके दरिद्रता फिर दूर किया है, क्योंकि सजा भोगने के बाद गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगत यमान बंधो गुरु पद पद्म परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा। आप लोग देखना गुरु पद में जो अनन्य श्रद्धा भक्ति विश्वास है वो पराग है, वो सुगंध है, और आपके अंदर जो अनन्य शरणागति हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, और उसको सुगंधित बनाता है, और वहाँ भ्रमर बन करके आप गुरु कमल में उस रस को ले। जितनी आपके अनन्य शरणागति गुरु चरण में होगी उतने ही आप आगे बढ़ेंगे। ये मैंने बहुत कथा सुनी है। काशी में रहा तो बिंदु जी हैं और एक दो अच्छे व्यास है, नाम भूल रहा हूँ, तो बहुत कथा सुनी तो सुन करके पचाया। ये शास्त्री लोग गा रहे थे कि बस तेरा ही सहारा मिले और कुछ नहीं चाहिए, तेरा सहारा मिले तो सब कुछ है, सब कुछ जाए लेकिन तू मेरे पास रहना, ये तेरा ही सहारा है। ये भजन में बहुत तत्व भरा हुआ है। पालन करना सरल नहीं है, आप सुन लो न गा लो, लगे जब शरणार्थी या करने हो ना तो हिल जाते हैं। मैं इस भजन को सुना रहा और जंगल में यहाँ 10 वर्ष रहा इस गिरनार में, और वहाँ इस पर गुरु तत्व के विषय में साधना कर रहा था। वहाँ सिंह आकर पानी पी रहा है, आदिपड़ा बैठा है, मैं रात में पाठ पर सो रहा हूँ खुले है, कुछ सहारा नहीं रहा। लेकिन ये भजन जो गाते हैं ऐसे ही हमारी शरणागति रही, प्रहलाद की तरह से, शिवरी की तरह से वो रक्षा करेगा। तो आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि 10 वर्ष से गिरनार में रहा कोई हमको बचा रहा था, न दीपड़ा खाया न चिता खाया, ये गुरु भक्ति है मेरी। मैं इतने महान नहीं हूँ लेकिन एक तो मेरे पास कुछ था नहीं, सुदामा से भी गया गुजरा रहा, कंतान पर सोता रहा, कंतान बढ़ता रहा, लेकिन गुरु चरण में अनन्य श्रद्धा। इसका परिणाम है कि वहाँ जिंदा रह करके यहाँ बैठा हूँ और महाराज मिले भी यहाँ, दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करके यहाँ विराजमान हूँ, लेकिन मैं महान नहीं हूँ, जो हूँ आप जैसा हूँ। और आप सर्वत्र गुरु रूपम दृष्टि के साधकोत्तम, शास्त्र में लिखा है देवम भूत्वा देवम जजेत। आप जब मानस पूजन के लिए देखेंगे जो मार्कंडेय पुराण में है, पुराणों में है, तंत्रों में है, मानस पूजन का बहुत महत्व है। तो मानस पूजन में लिखा है कि आप अपने नाभि में मध्य शुभाब्दि मणि मंडप रत्न बेटी सिंहासन परिगतम परिपीत वर्णम, ये पीलांबर अभी उपासना है। नाभि में रावण जो है माँ को देखता रहा, सीता जी को यहाँ ध्यान करता है, माँ जो है आदिशक्ति वो सीता है, इसलिए राम का बाण नहीं लगता रहा, रावण मरता नहीं रहा, यही ध्यान करता रहा।
विशुद्धि चक्र है और 16वां चक्र है, ये कृष्ण चक्र है। इसमें आने के बाद इंद्रियां शुद्ध होती हैं, लेकिन गुरु कृपा सिवाय नहीं। गुरु की शक्ति ऐसी है जब आपको देगा तो शुद्ध होने लगते हो विशुद्धि चक्र में। और सहस्रार जो है वो श्री यंत्र है। त्रिपुरा की पूजा यहाँ होती है सहस्रार में। परदेवी सूक्त में आता है त्रिपुरी त्रिलोक जननी आता है उसमें। इसलिए सहस्रार में सभी देवी देवता हैं। जो जो परदेवी सूक्त में 10 महाविद्या है और 16 पंचदशी है, 16 वहाँ नहीं है, यहाँ आती है। लेकिन आप देखेंगे जब पूजन में पात्रा साधन विधि आचार लोग कराते हैं तो वहाँ गुरु पात्र होता है। गुरु पात्र का बिंदु सब पात्र में पड़ेगा तब कोई देवी देवता उस पूजन को स्वीकारता है, नहीं तो नहीं स्वीकारता है। है ना ऐसा? ये आचार्य लोग से पूछना, ये पूजन का महत्व बता रहा हूँ। जो पात्र साधन विधि होती है तो मानस पूजन में लिखा है कि ध्यान करो और अपने को सहस्रार में ले आओ और वहाँ आकर के पूजन करो और जिसकी पूजन कर रहे हो उसी का स्वयोग बनो अथवा स्वरूप बनो। हम शिव का पूजन और ध्यान कर रहे हैं तो मेरा मन चंचल है, कहीं ना कहीं भागता है, लेकिन मैं मन चित बुद्धि को बोलूँगा मुझे शिव बना दे तो मैं वो मन मेरा शिव बनाने में लगेगा और मेरी जटा त्रिशूल गंगा सब बनाएगा, उसे मैं मन लगा दूंगा, मन कहीं भागेगा नहीं, उसको काम चाहिए। और शिव बना दिया तो मन बोल रहा है तू शिव बन गया, अब अपने सोहम शिवो हम शिवो हम करके बैठे रहो, खुद को प्रणव के अंदर बैठे हो, प्रकाश निकल रहा है तुम्हारा तेज है, तुम वो ही हो। इसको बोलते हैं सोहम। सोहम अस्मित वृत्ति अखंड अदीप शिखा सवि परम प्रचंड। ज्ञान दीपक रामायण में है, ज्ञान दीपक उत्तरकांड में है कि जब इस प्रकार से पूजन करो तो वही बन जाओगे आप। भृंग कीटन न्याय है, भमरी एक जीव को लाती है और घर बनाते उसमें डाल देती है और डंक मार कर भिन भिन बोलती है तो वो जीवात्म लगता है कि ये मेरा आवाज है, तो बोलते बोलते उसमें से बबरी बनकर निकलता है। यही भृंगक कीटर न्याय है कि जब साधना करो तो आप वही बन जाओ। तो मैं भी जब जो कुछ संत लोग सिद्ध लोग गिरनार में है कभी कभी कृपा करें बताए तो मैं खुद अभ्यास करता रहा। तो जहाँ भी बैठता हूँ बस मैं दत्त ही हूँ, शिव ही हूँ, क्योंकि जब मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसके चरण में जाना हो तो ऐसे ही पूजन करना चाहिए। तो जब ऐसे करके ध्यान में बैठे तो वही बन जाता हूँ, अभ्यास चालू है। तो मैंने सोचा कि सही हो रहा है कि नहीं। तो एक दिन 25-30-40 लोग आए और मैं बैठा रहा शिवो हम दत्तो हम, तो लोग बैठे ध्यान में तो बहुतों को दिखा कि आप के हृदय में दत्त दिख रहे हैं, आप दत्त हो, आप झूठा बोलते हो कि मैं वो नहीं हूँ। तो मैंने बोला भाई मेरे को तो कुछ खबर नहीं पड़ती है लेकिन अभ्यास करता हूँ। तो कुछ हमारे जो अंगत मित्र भक्त रहे वो बोले कि बापू वही है, शंका नहीं है। दत्तात्रेय महाराज सुप्रीम पावर है, वहाँ जाने के बाद मुक्ति है। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट का केस का फिर अपील नहीं होता है।
फूल हो नहीं नहीं दे हो कोई ना तो संभालते हैं, इसलिए सदगुरु है। एक बात मुहि बिसर न काऊ आ गुर कर कोमल शील स्वभाव। काबू सुंदर जी गरुड़ को बोल रहे हैं कि शंकर ने हमें श्राप दिया, तुझे 1000 वर्ष फिरना पड़ेगा, दुष्ट गुरु का अपमान किया और नमन नहीं किया, इतना अहंकारी हो गया है। जो नहीं दंड करम खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मारग मोरा। अगर तुझे दंड नहीं दू तो ये परंपरा लुप्त हो जाएगी। गुरु का अपमान मत करना, किसी को गुरु बनाना नहीं, बनाओ ना तो सम्मान रखना। हमारे जिस प्रकार से भी दो मूर्ति बैठे हैं, इनको विधि बताए, मंत्र भी दिया, ये लोग हमको गुरु मानते हैं, लेकिन जब गुरु मानते हैं तो मेरे अंदर इनको दत्त ही दिखते हैं। क्यों? कि मैं दीक्षा देता नहीं हूँ। जब किसी को विधि बताऊं तो दत्तात्रेय का आवाहन करता हूँ कि वो विधि आप दे रहे हो, आप संभालना, मैं है ही नहीं हूँ। मैं आप मिले तभी मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर चुका हूँ, मैं और तू है ही नहीं है, अब आप ही हो। सदगुरु बोलते हैं कि जिसको मैं मिलता हूँ उसको अपना स्वरूप देता हूँ, वो वही बन जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये आप लोग दृढ़ निश्चय रखना। ये कोई पीएचडी करे गुरु के सामने, तैमे पीएचडी करने के बाद शिष्य को पीएचडी बना करके खुद हट जाते हैं, अब तू डॉक्टरेट हो गया, अब तू एमए हो गया, गुरु पढ़ा करके सारी डिग्री उसको दे देता है। तो इस भूमंडल में वही है तो वहाँ तो बहुत बड़ी बात है। कितने करोड़ नारियाँ हैं इस शरीर में, और उसमें खास तो 84 लाख जोनी है, इसके अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसके अंदर 14 है खास, फिर उनके अंदर 7 हैं, फिर 3 हैं जो बीड़ा पीना सुसुमना है। आपके अंदर नाड़ियाँ जो हैं जिसके अंदर गंदगी भरी हुई है, गलत विचार भरे हुए हैं, उस नाड़ियों के अंदर घुस करके और सफा करना साधारण के काम नहीं है। इसको तो हनुमान जी स्वा कर सकते हैं, अथवा सदगुरु दत्तात्रेय, अथवा तो ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरे का काम नहीं है जो अंदर घुस करके सफाई करे। आप बाहर देखते हैं बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ठीक से रहते हैं, लेकिन अंदर आपके क्या भरा हुआ है ये आपको ज्ञान नहीं है। आप यहाँ जो बैठे हुए हो अलग अलग स्वरूप में दिख रहे हो, सदगुरु बोलते हैं कि बेटा ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये संसारिक माइक स्वरूप है, एक पिंड के अंदर फंसे हुए हो, 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ शरीर है, इसके अंदर तो बैठे हो, तेरा मन चित्त बुद्धि कहीं कहीं फिर रही है। सदगुरु जो है, सदगुरु दत्तात्रेय जो है, वो जो है वो एक ज्ञान रूपी लकड़ी और डंडा लेकर के, गरेड़िया बन करके, घेटा चराने वाला बन करके, ग्वाला बन करके चराते हैं कि इन लोगों को मैं सही रास्ते ले जाऊँ, ढोर है, गाय है, बकरा है, कहीं भटक न जाए, दूसरे के खेतर में न चला जाए, कुछ ऐसी घास न खा ले बीमार पड़ जाए, ऐसा खुराक न ले कि मादा पड़ जाए। एक ग्वालिया लकड़ी लेकर गाय चराता है, ग्वाल है कन्हैया कृष्ण सदगुरु, वो अंदर बैठा हुआ है, गोपी और ग्वाल, गो हो इंद्रिया, गो बोलते हैं इंद्रियों को जो अंदर बैठी हुई है, और गोपाल है इंद्रियों का जो संचालन करता है, उसको चराता है, सच्ची दिशा बताता है, ये गोपाल है, भगवान है, ये कृष्ण है, ये दत्त है। मैं खुद गुरु नहीं हूँ, मैं खुद चरण में बैठे बैठे साधना कर रहा हूँ, मैं गुरुपद नहीं स्वीकारता हूँ, पूजा भी नहीं कराता हूँ, हमारे जगदम्मा भी अनन्य श्रद्धालु है, भक्त है, बड़ी ऊंची साधिका है, अच्छी जगह पहुंची हुई है, खेचरी भी की है, और अभी संकल्प कर किसी को पानी देती है, बीमारी भी मिल जाता है, फिर भी ये पुजारती नहीं है, आरती नहीं कराती है, इसको भी ज्ञान है।
इससे दूर हट कर रहता हूँ, क्योंकि इनका चरण मिला है, इनके चरण में बैठ कर भक्ति कर रहा हूँ। बन सके वहाँ हर तरह से दूर रहता हूँ, मेरे को ईगो न आ जाए, आई एम समथिंग न बन जाऊं। मैं खुद बैठकर आपके सामने सबके पूजन कर रहा हूँ सदगुरु का, क्योंकि वो सबके अंदर है। इसलिए हम लोग पागल नहीं हैं, आपसे दुश्मनी नहीं है, आपके हित के लिए, भले के लिए हम बोलते हैं कि बेटा गुटखा मत खाओ, सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो। क्यों? तुम्हारा शरीर रूपी मंदिर जो है वो बिगड़ रहा है, इसके अंदर आप बैठे हुए हो, इसी के अंदर भगवान भी बैठा हुआ है। आपको अच्छी दिशा में जाना है, अच्छे लक्ष्य में पहुंचना है, इसलिए हम लोग आपको बोला करते हैं, क्योंकि आपसे मुझे प्यार है। आप मेरे हो, मेरे नहीं होते तो आपकी हम चिंता क्यों करते। साइड में खाली बोल नहीं रहा हूँ, दत्तात्रेय महाराज मिले क्या चाहिए, तो मैंने बोला सारे विश्व को शांति मिले, सबका मंगल कल्याण हो, ये चाहता हूँ। बोले ये तो है बहुत कठिन, लेकिन हरिओम दस जो करेगा, ध्यान में बैठेगा, उसको ध्यान लगेगा, शांति मिलेगी, उस मंत्र और ध्यान से वो गर्भ जन्म मल की शुद्धि होगी, पिंड शुद्ध होगा, अब आदमी धीरे धीरे इन बुराइयों से ऊंचा उठने लगेगा। तो आप लोगों से भी ये बोलता हूँ कि हरिओम दस जगत नियमित करो और 10-20 मिनट रोज ध्यान करो, तो आपके अंदर की शुद्धि होगी, आपको खबर नहीं पड़ेगी क्या हो रहा है मेरे अंदर। जैसे कि एक गोली खाने से अंदर का फीवर मिट जाता है, सर का दर्द मिटता है, वो गोली अंदर जा करके सारे शरीर को फिल्टर करके अच्छे कर देती है। इस प्रकार से एक मंत्र है, मनना त्रायते इति मंत्र हो, मंत्र जो है आपके मन को शुद्ध करता है, अच्छी दिशा में ले जाता है, सही मार्ग बताता है। आप अपने तन मन धन का सदुपयोग करो, ईश्वर आपको कुछ नहीं दिया है तो तन से सेवा करो, मन पवित्र और शुद्ध रखो। सदगुरु जो है मन चित बुद्धि को शुद्ध करते हैं, आयु तीनों सिद्ध हो गया वो महात्मा बन जाता है, अच्छे व्यक्ति बन जाता है। सदगुरु पैसा दे दें वो बहुत मत की चीज नहीं है, पैसा तो बहुत लोगों के पास है लेकिन सही रास्ते नहीं है। बहुत पैसा मिलने से वो आदमी प्रतिष्ठित नहीं हो जाता है, अंदर से वो दुखी रहता है। क्यों? संभालने में और उसे खान पान में ईगो में फेर पड़ जाता है, मैं कुछ हूँ, नम्रता नहीं आती है, विवेक नहीं आता है। पैसा ईश्वर दे तो साथ साथ संस्कार भी दे तो अच्छा है। तो सदगुरु द्रव्य और पैसा भी देते हैं और आपको संस्कार भी देते हैं कि बेटा उसको तू संभाल सक, और इस द्रव्य के बीच में रह कर भी असंग लिप्त भाव से रहना, फूपना नहीं आने देना, ये शक्ति ये देती है। इसलिए इनकी उपासना तरफ में जोर देता हूँ, यहाँ ज्यादा हजूर हजूर हैं, और दत्तात्रेय भी प्रत्यक्ष कृपा है इनकी, बहुत पर्चा दिया है, अब मेरे से पर्चा मत लो, अब कुछ करो बस। हमारे जितने लोग यहाँ हैं सबको बोलता हूँ कि दिल खोल कर कुछ करो, अभी संकोच छोड़ दो, चाहे किसी को मार्गदर्शन दो, अपनी विद्या और शक्ति का जो है प्रचार करो, ये चाहे सब कर सकते हैं, लेकिन अभी इनको कुछ शायद कुछ किसी का कुछ होगा। हनुमान जी को तो श्राप रहा कि याद दिलाने पर जागते रहे, तो इनको भी याद दिलाने की जरूरत है कि जगो और कुछ करो। तो इनको भी बोल रहा हूँ कि अब जो है समय नज़दीक है सदगुरु के लिए, अपना जो ध्यान विकास में प्रदर्शन करो और लोगों को गाइड करो कि सही मार्ग में लोग चले और अपने दिशा बदल कर अपना आत्म कल्याण करें। हमारी जगदम्मा को बहुत पसंद है कि अपनी बस्ती को समाज में लाकर बांटो, तन मन धन बुद्धि का उपयोग करो। सबको बोलता हूँ अपने स्वरूप में आओ, कुछ करो, नजदीक समय है। और मानव का फर्ज है कि अपने तन मन बुद्धि का सदुपयोग दूसरे के लिए भी करो, खाली अपने में जीना ये मानवता नहीं है। मानुष वही है जो वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष,
बाकड़ का वृक्ष बने जिसमें एक साथ लाखों पशु पक्षी खा रहे हैं, जी रहे हैं और छाया भी दे रहा है। तो आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपकी छत्र छाया में आपका कुटुंब परिवार भी पले, समाज भी पले और हर जगह आप साकार दें कि आप भी सुखी रहें, समाज भी सुखी रहे। सबके प्रति राग द्वेष ईर्ष्या हो हटा दो, किसी के प्रति कहीं अनुगमी हो वो नहीं रखनी चाहिए। आप किसी को डांटो लेकिन अंदर से अनुगमी मत रखो। तो हमारे पास ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे राम की सेना में जब बंदर रहे, बड़े शक्तिशाली रहे, उनको जगाने की जरूरत पड़ती रही। तो अब जो है मैं जगाऊं और आप लोग भी जगाओ, कुछ समाज के लिए अच्छा करो। हरि ओम तत्सत्। हेलो, अभी बापूश्री का प्रवचन हमने सुना। हम देख सकते हैं कि उनको योग और हमारे जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वो जिस तरीके से बोलते थे, उसका जिस तरीके से अभ्यास करते थे बचपन से, ये सारी जो सत्संग करते हैं वो मैं बचपन से, छोटी थी तब से सुनती आ रही थी, हर रोज रात को एक कहानी करके सारे वेद उपनिषद पुराण सारी कथाएं सब सुनाई हैं। ऐसे इतनी आसानी से सुना देते थे कि अब सब दिमाग में ऐसे फिट हो गई हैं। हम लोग पढ़ के कितना भी गीता रामायण पढ़ ले समझ नहीं आता, कभी किताब उठा के पढ़ के देखो लगता है ये क्या कैसे पढ़ेंगे, लेकिन बापू श्री ने जिस तरीके से और इनका जो नॉलेज था, छोटा छोटा औषधियों का, उनको जो दवाइयाँ बनाते थे वो, और सब कुछ उन्होंने लिखा है, हमारे पास सब कुछ है, और उन्होंने सब कुछ अपना रिसर्च जो लिखते थे जो पढ़ते थे वो सब लिखा है उन्होंने, पीछे अपनी पूरी ये धरोहर छोड़ के गए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, हमारा साइंस, हमारा पुराण इतना एडवांस है, साइंस तो अभी हम लोग सब सोते हैं। छोटा सा शो आता है मास्टर शेफ, आई डोंट नो देखते होंगे, उसमें दिखाते हैं ये जेली बनाना है, इसमें ये डालो, ये अगर अगर डालो, फ्रीजर में डालो, ये करो, फिर आइसक्रीम बनेगी, जेली बनेगी। तो मैं छोटी थी, मेरे को बहुत शौक था, मेरे को आइसक्रीम जेली ये सब खाना। बापू श्री ने बोला रुक, एक पत्ता लेके आए, जल जमनी कहते हैं, उसको नहीं लिया, पानी में डाला, निचोड़ा पत्ते को, उसका पूरा अरक निकल गया, वो पानी छोड़ दिया, ग्रीन कलर का पानी, इतना अच्छा दिखने में, 10 मिनट में जेली बन गया। मैंने कहा ये कहते बेटा इसको जल जमनी कहते हैं। ऋषि महर्षि जब बहुत ठंड लगती, बहुत गर्मी होती थी, अभी गर्मी की सीजन है, तो क्या करते थे इतनी गर्मी में, ये पी ले, इससे ज़्यादा पीना मत वरना गर्मी में भी सर्दी हो जाएगी। तो हमारा जो पुराना सब इतिहास है बरसों पुराना है, हजारों साल पुराना है, रामायण, कृष्ण, महाभारत, श्री कृष्ण की लीलाएं, वेद उपनिषद पुराण, और सबका ऐसा उन्होंने अध्ययन किया था कि ऐसा ऐसा महान पंडित, ऐसा महान योगी मैंने अभी तक किसी को सुना नहीं है जो इतना गहनता से, इतना डिटेलिंग में कह सके। तो हमारे लिए जो ये लॉस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन पीछे से हमारे पीछे वो सब छोड़ गए हैं, और मैया जी और बाप देवेश जी की फिर अनुमति के बाद हम लोग वो सब प्रिंट करेंगे, बुक्स बनाएंगे उसकी, और जो उनकी धरोहर है वो हम सब संभाल के रखेंगे और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंड में बापू श्री के लिए दो शब्द, इतना अच्छा बोलते थे, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप लोग आते रहेंगे, हम लोग आपको आपके साथ दोबारा शेयर करते रहेंगे, जितना सुने उतना कम है, हर बार सुनते हैं ना, तो एक बार सुन लिया, फिर जब दूसरी बार सुनेंगे ना, अच्छा ये तो मिस हो गया था, अच्छा ये नहीं समझ पाए थे, फिर तीसरी बार सुनेंगे, फिर और उसका
इम्पोर्टेंस पता चलता है। जो वो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा होता है, जब बैठते थे सामने तो हम लोग सुन लेते थे, लेकिन अब जब हम दोबारा तीन बार आ तो वो जो उनकी गहनता है वो अब अच्छे से समझ आती है। बार बार सुनेंगे उनको, अपने दोबारा से जिएंगे वो पल। एंड में कहूँगी कि हम लोग हैं शरीर का, ये जन्म का ये सत्य है कि एक न एक दिन जाना ही है, इस स्थूल शरीर को जाना ही है। बच्चा आता है तब उसका भाग्य जैसा भी हो, लेकिन अंत लिखा ही होता है कि आए हैं तो जाना ही है। तो हम रहें ना रहें, हम जिए ना जिए, रहेंगी सदा यहाँ बापू श्री आपकी ये दासता, सुनेंगे जिसे सदा ये जमीन आसमां। अब मैया श्री दो शब्द बोलेंगे, उसके बाद हम गुरु दया का उत्सव करेंगे। हरिओम तत्सत, जय गुरु। मम्मी योर टर्न, बोलो। अब कोई अपनी अनुभूति बताना चाहते हैं तो यहाँ कर अपनी अनुभूति बता सकते हैं। पूज्य मैया श्री ने अभी मुझको बताया कि आप अनाउंस करो, जो भी कोई अपनी अनुभूति, साधक भाई बहन अपनी अनुभूति बताना चाहते हैं तो यहाँ आके बता सकते हैं। आपकी अनुभूति कहीं और साधक को लिए प्रेरणा बन सकती है, और जो भी है निखालसता से आप यहाँ के बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरों को उसे मार्गदर्शन भी मिलेगा और पता भी चलेगा कि पूज्य बापू श्री थे तब भी अनुभूति होती थी, पूज्य बापू श्री स्थूल से नहीं है तब भी हो रही। अगर आप कोई आके साधक भाई बहन या अपनी अनुभूति बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। उमा जी अपनी अनुभूति बता रही है। एक साल का समय है, छोटी बड़ी बातें पर कोई महत्वपूर्ण बात जिसमें कोई मार्गदर्शन मिला हो, आपको आदेश मिला हो, या कोई प्रश्न का समाधान का रास्ता मिला हो तो उसको अवश्य बताना चाहिए, ताकि आपकी हमारी अनुभूति से दूसरों को भी कुछ प्रेरणा मिले और हमारा कर्ज और फर्ज भी अदा हो कि खाली ध्यान करके हर एक बात अपने तक न रखे, कभी जरूर पड़ती है तो अनुभूति भी कहनी चाहिए। तो आप लोग दोपहर में भी बताया था, एक दो मिनट में अपने अपने अनुभूति कह सकते हैं, तब तक उमा जी अपने कुछ वक्तव्य देंगे। हेलो, अपने यहाँ पे ये जो दत्त याग करते हैं दत्तात्रेय दत्त जयंती गुरु पूनम से पहले, उसमें जो हम लोग हवन करते हैं, जप करते हैं, होम करते हैं, ठीक है। अभी ये दिवाली की टाइम की बात है, जब हम लोग अमेरिका US घूमने गए थे, मैं, हर्ष और मेरा बेटा देवा, हम लोग वापस आए उसके बाद से मैंने मम्मी को फ़ोन किया था, है ना मम्मी, मैंने उनको बोला था जेट लैग होता है, एक दिन दो दिन तीन दिन एक हफ्ता, रात को सोऊं नहीं मैं, तीन तीन बजे तक जगती थी, मतलब नींद ही नहीं आए, तीन बजे थोड़ी आंख लगे फिर उठ जाऊं, फिर इतना इरिटेटिंग, कुछ काम करने में मन नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इरिटेटेड रहती थी, पता नहीं
मेरे को लगता था कि मम्मी अब ज़रूर किसी की नज़र लग गई है, वो सब फोटोग्राफ्स डाले थे सोशल मीडिया पे और वो सब, मैंने कहा ज़रूर किसी की नज़र लगी। मम्मी कहती है टेंशन मत कर, कुछ नहीं है, होगा, थोड़े दिन में हो जाए। एक हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, सो नहीं मैं रात को, बहुत उचाट अंदर से हो, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर मैंने एंड में मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी अब आप सब छोड़ो और वो आप मेरा जो दत्त याग का जो अपने सबके लिए हवन करवाते हैं, क्योंकि सबके साल का सब अच्छा हो, आपके ऊपर जो भी ग्रह बाधा आई हो, आप पे नज़र दोष लगा हो, वो सब निकल जाए, उसके लिए जो हम हर साल दत्त याग और उसके लिए जो मंत्र करते हैं और उसके बाद जो आपके ऊपर से उतारा होता है, और वो मैंने कहा मम्मी किसी का नहीं, बस मेरा करो, मेरा बेटा भी सो जाता है, हस्बैंड भी सो जाता है, घोड़े बेच के दोनों सो जाते हैं, मैं रात को 3 बजे तक जगती रहती हूँ, उल्लू की पूरी उल्लू बन गई हूँ, समझ नहीं आता ना रात को नींद आती है, दिन में काम अच्छे से नहीं होता है, जवाबदारी है। याद है मम्मी आपको, मैं रोती थी मम्मी अब मैं नींद नहीं हो ना, अपने शरीर को आराम नहीं मिले तो पागल हो जाता है इंसान। और गोली आपने बोला कि ये है, तो फिर आपने यज्ञ का नहीं बोला था, मैं खुद भी मैं अमुक परिस्थिति से निकल रहे थे, तो मैंने फिर मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा है आप कुछ करो कुछ करो। फिर उन्होंने बोला मेरे को कि बेटा मैं तेरे लिए हवन करा देती हूँ, मैंने कहा कराओ और खाली मेरे लिए कराना, क्योंकि बाकी सब तो सब मज़े में हैं, बस मेरे को पता नहीं नींद नहीं आती, नींद की दवाई लेती हूँ मैं, नींद की दवाई लेती हूँ तो एक दिन लेती हूँ नींद आ जाती है, 2 दिन लेती हूँ आ जाती है, 3रे दिन नहीं ली तो नहीं आती है। अब उस पर तो थोड़ी ना पूरा दिन पूरा टाइम पे वो दवाई भी नुकसान करती है। फिर मम्मी ने मेरे लिए हवन करवाया, है ना मम्मी, हवन कराया, जिस दिन मेरा हवन हुआ और मेरे ऊपर से उतारा किया, मम्मी ने उस दिन मेरे को कुछ विधि बोली कि बेटा तुम ऐसा ऐसा करना, मैंने वैसा किया, जब उतारा हुआ तो मैंने उन्होंने बोला, मैंने किया, उतारा होने के बाद उस दिन रात को मैं सोई, बिना दवाई के सोई, अच्छे से सोई, है ना, इतना अच्छा लगा। मैंने नेक्स्ट डे मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मैं सोई और मैं उस दिन आधा घंटा रोई मम्मी के सामने कि ये जो बापूश्री का ये जो मंत्र है, जो ये आपकी विधि है, वो इतना काम करती है मेरे, मतलब मैं ध्यान भजन करने वाली हूँ, आसपास में बापूश्री का कवच भी मैं मानती हूँ कि इतना तो मेरे लिए छोड़ गए होंगे, फिर भी जो हम संसार में रहते हैं तो इतनी सारी नेगेटिविटीज़ होती हैं, असर सबको होता है, मेरे को भी होता है। फिर उसके बाद अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी नींद आती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा था, अभी भी कुछ था, अभी भी मैं एकदम, मेरे को ऐसा नहीं होता था कि मैं अभी भी एकदम हेल्दी हूँ। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी है बहुत अच्छा, लेकिन अभी एकदम पूरा ही नहीं हुआ, पूरा हो गया हो ऐसा नहीं लगता, और 2 दिन की है। फिर और 2 दिन मम्मी ने कुछ वो अपना मंत्र लगा के किया, बापूजी ने जो उनको बताया है जिस तरीके से गाइड किया है वो लगा के उन्होंने किया, और उसके बाद वो दिन था और आज का दिन है, मैं सोती हूँ ऐसे घोड़े बेच के सोती हूँ कि मेरे को सुबह 7 बजे तो 7 बजे से पहले कभी आंख नहीं खुलती, इतना अच्छा हो गया, पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। बस 3 दिन हवन किया और मेरे को ये जो मतलब मैजिकल इफेक्ट क्या करती मैं उसमें, मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को मालूम है क्या हो रहा है, मेरे को पता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे पास उसका कोई उपाय नहीं था, मेडिसिन भी उपाय नहीं था, मेंटली अगर किसी को कोई स्ट्रेस है वो भी नहीं है, लेकिन बस ये हवन से उसका उपाय हुआ। इस चीज़ का मैं मेडिकली भी प्रूव नहीं कर सकती, साइंटिफिकली भी प्रूव नहीं कर सकती, बस इस चीज़ का एक ही है कि दत्तात्रेय है, बापूश्री है, और वो लोग वो हमारे साथ हैं, और वो हमको जो ये यज्ञ ध्यान ये सब जो दे के गए हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद काम करता है, ऐसा नहीं है करने के लिए है, इसके बहुत असर करता है। इसके साथ आप खा भी नहीं सकते थे, हाँ, तो उस दिन नींद नहीं आती थी, पहले दिन आप बताए कि मैंने 7 बजे 8 बजे
हर्ष को बोला कि मुझे कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे खाना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे जिस दिन हवन किया उस दिन मैंने कहा यार आज बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खिला दे। 5-6 दिन से कुछ छोटा सा इतना सा खाती थी शरीर चलाने के लिए, बाकी खाया भी नहीं जाता था। कहती अच्छा तेरे को क्या हो गया है, बाहर लेके गया अच्छे से खाना खिलाया मेरे को, मैंने भरपेट खाया और मैं रोई हूँ उस दिन की मम्मी मेरे को इतना अच्छा लगा खाया है। तो हवन का ये जो हम लोग करते हैं दत्याग में करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मैं अपने आप को इतना फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मेरे को कभी कुछ दिक्कत होता है मम्मी को बोलती हूँ, वो मेरे लिए हवन करते हैं। लेकिन आप लोग भी जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी मिलती है दत्त जयंती या दत्त याग को, तो एक बार कराना चाहिए। वो एक बार आपका हो जाता है ना, तो एटलीस्ट 6-8 महीना 1 साल तो वो सारा आपका नेगेटिविटी निकालता रहता है। नज़र लगती है, दोष लगता है, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आप पे आते हैं, आपका बुरा चांस वो सब टल जाता है, आपका हेल्थ अच्छा रहता है, आपका मेंटल पीस अच्छा रहता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। और कोई है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? बहन जी है, एक साधक बहन है जो अपना अनुभव कहना चाहते हैं। आइए बहन जी, आइए। पूज्य बापूश्री और पूज्य मायाश्री और धर्म प्रेमी सज्जनों और माताएं, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसा परास्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य मैया श्री के गुरु शरण में नमस्कार करके मैं जो यहाँ अनुभव कर रही हूँ वो मैं आपको सुना रही हूँ। ना चमत्कार बताऊंगी कि ना कोई अलंकारिक वर्णन करूंगी, जो मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रही हूँ वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। मैंने शास्त्रों में, दर्शनों में, उपनिषदों में पढ़ा है, विद्वानों से, सन्यासियों से सुना है कि ऋषि और ऋषि पत्नी क्या होते हैं, ऋषि क्या होते हैं, ऋषि पत्नी क्या होती है, गुरु क्या होते हैं, गुरु पत्नी क्या होती है। वो तो मैंने शास्त्र में सुना, पढ़ा, सन्यासियों से सुना, लेकिन यहाँ मैंने प्रत्यक्ष देखा मयासी से और हमारे जो गुरु है पुनीत महाराज आचार्य जी के, उसने गृहस्थ में ले रहकर एक सन्यास जैसा जीवन और एक ऋषि पत्नी होकर एक ऋषि का जैसा जीवन जो जी रहे, उससे मेरे को ये सीखना मिला कि गृहस्थ में हमें रहकर कैसे रहना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है सन्यास के बिना मुक्ति नहीं है और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो हमें ज्ञानी बनना है और हमें वैरागी बनना है। और खाली यहाँ आकर खा पी कर चले जाएंगे तो वैरागी नहीं बने। वैरागी क्या होता है वो शास्त्र में लिखा है कि दृष्टा श्रवु अनुश्रविक वित्रिष्ण वशीकारण संज्ञा वैराग्य व्याम, कि हमने आज तक जो भी खाया है, पिया है, स्पर्श किया है और जो आगे भी करने वाले, उस पर हम अपने इंद्रियों द्वारा वशीकरण करके, इंद्रियों पर नियंत्रण करके उस शक्तियों को ईश्वर में लगाएंगे, तो ये वैराग्य है। कोई भगवा करने से वैराग्य नहीं होता। अब गृहस्थ में रहकर एक कार्य करना कोई
मामूली की बात नहीं है कि कोई रमत बात नहीं है इस इतने बड़े आश्रम में। अभी आप रात को आएंगे तो पता चलेंगे यहाँ कोई 5-6-7 व्यक्ति या तो साफ ही दिखाई देंगे। तो ये रहना ये क्या है? त्याग है, तपस्या है। तो हम स्पष्ट फील करते हैं कि एक कैसे जीवन जी रहे और एक ऋषि का होकर संसार का कितना बड़ा कल्याण करते हैं। हमारे जैसे गृहिणियों को भी हम ज्ञान देते हैं कि आप भी ऊपर आइए, उठिए ऊपर और कुछ प्राप्त कीजिए। इस संसार का मुख्य लक्ष्य है कि हम दुखों से छूटे। इस संसार में चार प्रकार के दुख है, जन्म रूपी दुख, मृत्यु रूपी दुख, रोग रूपी दुख और वृद्धावस्था रूपी दुख। इससे कोई संन्यास भी नहीं बच सकता, लेकिन मनुष्य योनि में आकर हमें कैसा जीना है प्रत्यक्ष हमारे सामने है। तो ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, तो इससे मैंने बहुत कुछ पाया कि गृहस्थ मेरे कर मेरे को कैसे समाज की सेवा करनी है, कैसे अंधश्रद्धा से बाहर निकलना है। बहन जी ने बताया कि यज्ञ में श्रेष्ठतम कर्म, चार वेद के अंदर यजुर्वेद आपका यज्ञ कर्म कांड लिखा है। यज्ञ से कितनी आप हमको ऊर्जा मिलती है, यज्ञ से कितना शारीरिक रोग दूर होता है, यज्ञ से कितना हमारा मन आत्मा प्रसन्न होता है और यज्ञ से कितना कल्याण होता है। ये गृहिणियों को तो गृहस्थों को तो खास यज्ञ करना चाहिए। मैं रोज प्रतिदिन यज्ञ करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ वशिष्ठ से नह संतम उच्यंते सर्व किर्विषे उचित तथम पापाय प्रचिन्त्यत कारम, कि यज्ञ बिना कोई मनुष्य खाता है तो अन्न नहीं खाता, पाप खाता है। और समाज में ऐसी भी कैसी मान्यता बनी है कि स्त्री जनोई नहीं पहन सकती, स्त्री यज्ञ नहीं कर सकती। तो हमसे ये प्रेरणा मिलती है कि स्त्री क्या नहीं कर सकती, स्त्री सब कुछ कर सकती है। ब्रह्म ही ब्रह्म, स्त्री ब्रह्म है, स्त्री लक्ष्मी है, स्त्री सरस्वती है, स्त्री काली भी बन जाती है समय आए थे। तो ये हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष हमको अनुभव होता है। ओम शांति। आप अपना परिचय देंगे क्योंकि आपको पहली बार सुना और शायद देखे होंगे लेकिन रूबरू मुलाकात। मेरा नाम अलकाबेन ठक्कर है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ और मेरे को आध्यात्मिक में बहुत रुचि है। इसीलिए मैं योग दर्शन पढ़ी हूँ, सांख्य पढ़ी हूँ, उपनिषद पढ़ी हूँ और मैं क्लास भी लेती हूँ, पतंजलि की योग शिक्षक हूँ। तो मेरा तो ये मानना है कि यहाँ से ऐसी ऐसी शिविर चलनी चाहिए कि सुबह 1 घंटा ध्यान हो, फिर 1-1.5 घंटा, क्योंकि पहली सुक्त जाते नरिया, ये शरीर का हम स्वस्थ रखेंगे तब तो ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, यदि शरीर को बिगाड़ेंगे तो। इसीलिए कसरत भी जरूरी है और दर्शन पढ़ना भी जरूरी है, ध्यान के बिना मुक्ति नहीं। यहाँ से उपनिषद पढ़ाया जाए, यहाँ से दर्शन पढ़ाया जाए, यहाँ से ध्यान कराया जाए। और इन बहनों की टीम हो सुबह 4 से रात के 10 बजे तक, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ऐसे ही यहाँ सब कक्षाएं पढ़े, सब क्रियाएं करे और यहाँ इस आश्रम की और महिमा विश्व में प्रसिद्ध करे। आपको सुन करके बहुत अच्छा लगा। जो ऊर्जा, आप डरी मत, खड़े रहिए, जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो ज्ञान है, आइए, जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो ज्ञान है वो इतना प्रबल है कि आप उसको बांट तो रहे ही होंगे, क्योंकि वो जिसके पास जो होता है वो परमार्थ किए बगैर रह ही नहीं सकता है। चाहे वह ज्ञान का दान दे, भोजन का दान दे, पर जो ददाति ज्ञानम बोधम इति दत्तः, तो जो दत्तात्रेय है, जो गुरु है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर, वो किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ आपको प्रेरणा देता ही होगा। हम पहली बार रूबरू आपको सुने भी हैं और शायद मिले भी हैं। आप पूर्णिमा को आते हो? तो ये बात देखिए कि कितने कितने प्रखर वेद वेदांत, मतलब एक इस आश्रम में रह करके आप टीचर वगैरह हैं कि नहीं? हाँ, मैं योग शिक्षक हूँ और यज्ञ आदि करवाती हूँ। नहीं, इसके पहले हाउसवाइफ थे? हाँ, हाउसवाइफ। चलो,
अब देखो कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ से हाउ शी हैज अपलिफ्टेड हर, घर में बैठे पढ़े योगास किए और आगे बढ़ करके कराए। तो जहाँ आपके अंदर सत्य है और पुरुषार्थ है, दोनों हैं, वहाँ कहीं से कहीं व्यक्ति खुद भी पहुँच जाता है और अनेकों की प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो आप, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिल करके, और इसलिए नहीं कि खाली आप कोई बखान किए, पर जो आप बोले वो अंतःकरण से बोले, जो कई लोग अपनी ग्रंथियों से जुड़ने के कारण, कई लोग जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा भगवान की आरती किया करो कि ना करो, नजदीक रहो या दूर रहो, लेकिन जो स्वच्छ निर्मल आत्मा होता है वो ही स्वच्छ निर्मल शक्तियों को पहचान सकता है और उसकी कदर कर सकता है। तो आपके अंदर वो शक्ति पड़ी हुई है, और ये भी इंटरनेशनल योगा मेडिटेशन इंस्टीट्यूट है, यहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह की शिविरें, चौड़ा साहब बताए, ऐसे और भी शंकर भाई दवे वगैरह, हम लोग सब सेशंस लेते ही थे। इसके पश्चात मर्यादित समय, अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों को लेकर के ये संभव कम होने लगा। तो आप अवश्य ये कल भी आप जरूर आइएगा, और उसके पश्चात आप या अपने अमित भाई भट्ट है काउंटर पर, शैलेश भाई भट्ट है, या पनारा साहब है, किसी को भी आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे सकते हैं और आप हमारा नंबर ले भी सकते हैं। तो यहाँ कोई योग सेशन चलानी हो, कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति करनी हो, तो ऐसे लोग जुड़ करके साथ में, हर एक को ऐसा संजोग नहीं मिलता है, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि संजोग भी बहुत भाग्य से मिलता है, शक्तियाँ तो पड़ी रहती हैं। आप यूपी में जाएंगे, रमेश भाई आए हैं देवरिया से, डॉक्टर रमेश भाई त्रिपाठी, तो वहाँ मैंने सुना है कि घर घर रामायण कंठस्थ बोलते हैं, सही है, लगभग घरों में कंठस्थ पूरी रामायण और राम की उपासना करते हैं। जबकि आज मैं धूल बुला रही थी तो इतने अपने पढ़े लिखे बहुत साधन संपन्न कंपेरेटिवली आप सब हो, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी, और हम भक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं भगवान के नाम में, कृष्ण के नाम में भूल करके, मस्त हो करके, जैसे डिस्को करते हो आप शादी में, कैसा प्रेम उभलता है, उससे भी अनेक गुना प्रेम भक्ति में निकलता है, स्वर निकलते हैं, क्रियाएं होती है, मुद्राएं होती है, और नृत्य भी होता है। नृत्य तो क्या, यहाँ आवाज भी नहीं निकल रही है। तो आप लोग सब थोड़ा और चेतन हो जाइए और अपनी शक्तियों को उजागर करिए, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिल भी रहा है, पहचानने की कोशिश करिए। आपका शुभ नाम अलका बेन ठक्कर, आप जरूर संपर्क में रहिएगा, तो कुछ ना कुछ, क्योंकि हम भी कई काम आगे, यहाँ के जो व्यवस्थापक समिति है जिसमें वाइस चांसलर चावड़ा साहब जी हैं, और ट्रस्ट मंडल है, त्रिवेदी साहब है रिटायर्ड डीएम, और भी बहुत बहुत लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, तो कुछ अच्छा छोटा सा कार्यक्रम करके बड़ा, हर महीने शिविर भी होती थी। लेकिन मैं पहले ये जानना चाहूँगी कि आप किस प्रवृत्ति से कैसे जोड़े हैं, ताकि उसमें भी जुड़े रहें, और इस कार्य को भी आप किस तरह से कर सकते हैं, तो आप अवश्य मिलिएगा। ऑल द बेस्ट, हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। एक अपरिचित स्थूल की माता अगर आपको इतना चेता सकती है,
तो आप में तो मुझे पता है कि कण कण में इसमें अनुभूतियां पड़ी है, कोई ऐसी प्रबल अनुभूति हो तो आप फटाफट दो शब्द में बता सकते हैं, आइए। जय गुरुदत्त, बापूश्री अने मैयाश्री ना चरणों में वंदन। बापूश्री ब्रह्मलीन थयाने एक वर्ष पूरु थवा आयु छे, आपने बधाने एमनी कमी तो महसूस थती ज हशे। ज्यारे गया त्यारे एवुं थयुं के हवे कशुं ज नथी, एमनी छबीनी सामे जोईए एटले खूब रड़वू आवे। घणा समय सुधी एवुं थयुं, पछी एवुं थयुं के क्यां सुधी रड़ीशुं, हवे कंईक तो करीशुं। પછી બાપુશ્રીની જોડે ધ્યાનમાં બેઠા, બે ચાર વાર એવી અનુભૂતિ થઈ કે કંઈક કરવું છે, એક બે વાર આદેશ આવ્યો, એક બે વાર નોટ કરી, એવી અનુભૂતિ થઈ કે હવે લોકોના ઘર ઘર સુધી આ મંત્ર પહોંચાડવાનો છે। તો મેં કીધું બાપુશ્રી કેવી રીતે પહોંચાડીશું, શું કરીશું, અને હું એક તો હાઉસ વાઈફ છું, શું કરીશ। પછી બીજી વાર એવી અનુભૂતિ થઈ કે આ જગ્યાએથી ચાલુ કર, પછી એવું થયું કે ક્યારથી ચાલુ થયું, તો એ પણ અનુભૂતિ થઈ કે મંત્ર અવતરણના દિવસથી આ કાર્ય શરૂ કરશે અને કોને લઈને જજે એ પણ અનુભૂતિ થઈ। મંત્ર અવતરણના દિવસે સૌથી પહેલી વાર અમારી કડીની એક સ્કૂલ છે, હોલી ફેમિલી સ્કૂલ, ત્યાં અમે લોકો ગયા અને પહેલાં મેં પૂછી લીધેલું હતું પ્રિન્સિપલને કે અમે પ્રાર્થના સભામાં આવી રીતે મંત્ર આપવા માટે આવીએ તો તમે અમને આવવા દેશો, તો એમણે અનુમતિ આપી અને ત્યારે અમે લોકો ગયા। એ દિવસે હજાર છોકરાઓને આ મંત્ર હરિઓમ તસ્સ જય ગુરુદત્ત આપ્યો અને સાથે પ્રેરણા પ્રસાદી આપી અને બધા જ સર ટીચરને એક રિક્વેસ્ટ કરી કે શક્ય હોય તો દર ગુરુવારે અથવા તો દર રોજ તમારી પ્રાર્થનાની છેલ્લી 5 મિનિટમાં આ મંત્ર બોલાવો તો આ બાળકોનું ભવિષ્ય ખૂબ ઉજ્જવળ થશે, આ બાળકોને યાદશક્તિ વધશે, ઘણા બધા સારા અનુભવો થશે। અને એ દિવસથી અમે ઘરે આવ્યા ત્યારે બાપુને પ્રાર્થના કરી કે જે કરાવ્યું તમે જ કરાવ્યું છે। એ દિવસ અને આજનો દિવસ હજી એ સ્કૂલની અંદર પ્રાર્થનાની અંદર હરિઓમ તસ્સ જય ગુરુદત્ત મંત્ર બોલે છે। પછી સાથે સાથે એ અનુભૂતિ થઈ કે હજી ઘણી બધી સ્કૂલોમાં જવાનું છે, જે જે સ્કૂલોમાં જવાની હતી 2 દિવસ પહેલાં અનુભૂતિ થાય અને કોઈના ને કોઈના નંબર મળી જાય અને એમ કરતાં કરતાં અત્યાર સુધી છેલ્લે શનિવારના દિવસે અમે લોકો એક સ્કૂલમાં ગયા હતા, 11 સ્કૂલોની અંદર હરિઓમ તસ્સ જય ગુરુદત્ત મંત્ર બાળકોને આપ્યો છે। એ સ્કૂલોની અંદર 800 થી 1000 છોકરાઓ હોય, એ જ્યારે ધૂન બોલે ને ત્યારે આપણને એવી અનુભૂતિ થાય કે બાપુશ્રી છે છે અને છે જ, આપણી સાથે છે। અને આકાશમાં આપણે જોઈએ ને તો એવું થાય કે બાપુશ્રી બહુ જ ખુશ છે અને હસે છે। આ મારો એક બહુ જ મોટો અનુભવ અને હજી પણ ઘણી બધી સ્કૂલોમાં મંત્ર આપવાનો છે એવી અનુભૂતિ કરાવડાવે છે, ઘણું બધું લખેલું પણ છે અને હું આ અનુભૂતિ એટલે કહેવા માગુ છું કે બાપુશ્રી આપણને મૈયાશ્રી ઉમાજી બધા કે છે આપણી ધરોહર છોડીને ગયા છે, આ મહામંત્ર છોડીને ગયા છે, તો કઈ નહીં તો સવારે ઉઠીને એક વ્યક્તિને પણ આ મંત્ર આપો, આપણું કલ્યાણ થશે સાથે એનું પણ કલ્યાણ થશે। જય ગુરુદેવ। ગુરુ પાસ લે જાય ગુરુ કાહી કામ, બધા જ વક્તાઓનું કેવું જે છે તે આ પ્રેક્ટિકલ બાપુશ્રી આમનાથી કરાવી રહ્યા છે કે નિમિત્ત બની અને કર્મ કરો, જે કર્મ તમે કરી શકતા હો પણ ગુરુનું કાર્ય કરો, આગળ જેવી કાર્ય આપને પ્રેરણા થાય આપની પ્રકૃતિને સૂટ થાય એ પ્રમાણે, પણ એવું માનશું કે બેઠા બેઠા બધું થઈ જશે, હજી આગળ આપણા આવનાર કષ્ટો એની મેળે દૂર થઈ જશે, આપણને હવે કશું થવાનું નથી, આપણે ચકાચક છીએ, તો એવી માન્યતાઓમાંથી નીકળી અને કોઈને કોઈ રીતે ગુરુ, ગુરુ સ્થાન, ગુરુ કાર્ય,
ગુરુ મંત્ર થી જોડાય અને પોતાની એનર્જીને ક્રિયાન્વિત કરો. ખાલી બેઠા બેઠા કોઈ વસ્તુ બધી જ ઉપલબ્ધ નથી થઈ જતી. તો કૃષ્ણાબેન સોની કડી કેન્દ્રથી આવ્યા છે, એવો કોવિડમાં મને એવા સમાચાર હતા કે કંઈક સવારમાં કેટલા વાગે ચલાવતા 4:30 વાગે એ લોકો ઝૂમ મીટિંગમાં મેડિટેશન કરતા અને ઘણા બધા સાધકો ત્યારે એમાં જોડાય અને ઘણી બધી અનુભૂતિઓ લઈ અને આત્મબલથી કોવિડના સમયમાંથી પણ બહાર નીકળ્યા છે. તો જરૂરી નથી કે તમારી આગળ પદ પ્રતિષ્ઠા પૈસા અને બહુ નામ હોય, અગર મનમાં કોઈ ઈચ્છા હૈ સંકલ્પ હૈ તો છોટી સી છોટી ચીટી ભી હાથી કો ભી પછાડ સકતી હૈ. તો આપ તો દત્તાત્રેય કે પૂજ્ય બાપુ શ્રી કે હમ સબ પાર્ષદ હૈ, ઉનકે શિષ્ય શિષ્યાએ હૈ, ઉન્હેં હમ જો ચાહે ઉનકી પ્રકૃતિ કે હિસાબ સે હમે કુછ ન કુછ કરકે અપને જીવન કો ઉનકે જીવન કે સાથ જોડ કરકે સમર્પિત કરતે રહેના ચાહીએ. અબ ઓર કોઈ? આવો બજુભાઈ, આવો ભરતભાઈ. હરિઓમ તત્સત જય ગુરુદત્ત. હરિઓમ તત્સત જય ગુરુદત્ત મંત્રના માધ્યમથી આધ્યાત્મિક અનુસંધાનમાં અને ભૌતિક અનુસંધાનમાં બંને રીતે આપણને સૌને અનુભૂતિ થતી હોય છે. મારો વ્યક્તિગત અનુભવ આધ્યાત્મિક અનુસંધાનમાં એટલો છે કે પૂજ્ય બાપુશ્રીની વાણીથી, એમના આશીર્વચનથી, એમની કૃપા દ્રષ્ટિથી ભિક્ષુ વૃત્તિમાંથી સાધક વૃત્તિ તરફ ગતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. આ આધ્યાત્મિક અનુસંધાન છે. આ અનુસંધાનમાં કદાચ વિસ્તૃત વાત કરીએ તો વધુ સમય જાય, પણ બહુ સંક્ષિપ્તમાં એટલું કહી શકાય કે સામાન્ય રીતે આપણી પ્રાર્થનામાં આપણે માગતા રહેતા હોઈએ છીએ, મારે આ જોઈએ છે, મારી આ સમસ્યા છે, વગેરે વગેરે વગેરે. એ આપણી ભિક્ષુક વૃત્તિ છે. સાધક છીએ પણ ખરેખર વૃત્તિ આપણી ભિક્ષુક છે. પણ ખરેખર જ્યારે આપણે ભિક્ષુક વૃત્તિ છોડીને સાધક વૃત્તિમાં આવીએ છીએ ત્યારે આપણને કંઈ માગવાનું મન નથી થતું. કોઈ આપવાની શક્તિ કદાચ હોય કે ન હોય, પણ માગવાનું મન નથી થતું. એ આપણને આપવા તરફ લઈ જવાની ગતિ છે. આ બહુ મોટું રહસ્ય આજે આપ ખોલો છો, બિલકુલ સત્ય છે. આ એક આધ્યાત્મિક અનુસંધાનમાં અનુભૂતિ રહી છે. ભૌતિક અનુસંધાનમાં એક અનુભૂતિ મેં અગાઉ કદાચ કહી છે, રિપીટ થતી હોય તો ક્ષમા ચાહું છું, પણ આજના દિવસે કહેવાની ઈચ્છા થાય છે કે જ્યારે સ્વાઇન ફ્લૂ બહુ પીક પોઝિશનમાં હતો લગભગ 2009-10માં, ત્યારે મને સ્વાઇન ફ્લૂ થયો હતો. લંગ્સમાં એટલે કે ફેફસામાં ન્યુમોનિયાની ખૂબ જ અસર હતી અને મને સિવિલ હોસ્પિટલ રાજકોટમાં એડમિટ કર્યો હતો. ભાઈઓએ, પરિવારજનોએ પૂજ્ય બાપુશ્રી, પૂજ્ય મૈયાશ્રી સુધી સમાચાર પહોંચાડ્યા અને પૂજ્ય બાપુશ્રી, પૂજ્ય મૈયાશ્રી તરફથી આદેશ આવ્યો કે ગજેન્દ્રને કહેજો જે સ્થિતિમાં છે તે સ્થિતિમાં હરિઓમ તત્સત જય ગુરુદત્ત કરતો રહે. સદગુરુને અમે પ્રાર્થના કરી છે અને સદગુરુ ગજેન્દ્રની સાથે છે. 9 દિવસ પછી મને હોસ્પિટલમાંથી રજા મળી ત્યારે ડોક્ટર એવું બોલ્યા કે અમે તમને નથી બચાવ્યા, તમે બચો એવી કોઈ સ્થિતિ નહોતી, તમને ભગવાને બચાવ્યા છે. અને ચમત્કાર નહીં માનતા, આ મારો પોતાનો અનુભવ છે. પરિવારજન પણ અહીંયા છે, શૈલેષભાઈ અને પૂજ્ય મૈયાશ્રી અહીંયા બિરાજે છે, એમની હાજરીમાં હું બોલી રહ્યો છું, એટલે એક પણ વાત અતિશયોક્તિ ભરી નથી પણ વાસ્તવિક છે. હરિઓમ તત્સત જય ગુરુદત્ત.
જય ગુરુદત્ત, પૂજ્ય બાપુશ્રી, પૂજ્ય મૈયાદ્રી, લાલાજી ઉમાજી. આજે ડૉક્ટર ઉમાજીએ જે વાત કરી યજ્ઞની, એ વિશે હું થોડું બતાવીશ. કેમ કે હું કર્મકાંડથી બાપુશ્રી જોડે નજીક આવ્યો હતો, જોડાયો હતો. એકચ્યુઅલી હિન્દી 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 બોલ સકતે હો હિન્દીમાં? હા, એકચ્યુઅલી જો ડૉક્ટર ઉમાજીને બતાયા કે યજ્ઞ કી બાત, તો મેં બાપુશ્રી કે સાથ યજ્ઞ કી વજહ સે, પૂજા પાઠ કી વજહ સે, કર્મકાંડ કી વજહ સે જુડા થા. બાપુશ્રી કા કુછ મેરા ઋણ હોગા તો ઉન્હોને મુજે ખીંચ કે યહાં બુલાયા. એકચ્યુઅલી મેં યહાં નહીં આતા થા, મેરે બડે ભાઈ આતે થે. તો શરૂ કી બાત હૈ, અનુભૂતિયા તો બહોત હૈ, લેકિન હમારે મહેસાણા કે એક સાધક કો લેકે મેં પૂજ્ય મૈયાશ્રી કે પાસ આયા થા. ઉનકો કુછ તકલીફ થી થી, મૈયાશ્રી કો બાત કિયા તો બોલે લેકે આના. તો બારી બારી સે અંદર ગયે તો ઉનકા તો જો બાત હુઆ, ઉનકો જો વિધિ થી વો બતાઈ. બાદ મેં પૂજ્ય મૈયાશ્રી મુજે બોલે, ભરત તુમ ક્યા કરતે હો અભી? મેં કહ્યું મેં નિકલ રહા હું મૈયા. તો બોલે આપ તીન દિન રુક જાઓ, એકચ્યુઅલી આપકો કુછ જરૂરત હૈ. તો તીન દિન મૈયા ને મુજે બહાર યહાં યજ્ઞ મેં બિઠાયા. દો પંડિત આયે થે, ઉનસે યજ્ઞ કરવાયા. દત્તમાલા મંત્ર પરદે એવી કોઈ વિધિ નહીં થી. જો ઉમાજીને બોલા લાસ્ટ મેં જો ક્ષેત્રપાલ બલિદાન કા ઉતારા હોતા હૈ વો મેરે સે ઉતારા. તીન દિન હવન હુઆ, એક દિન બાપુશ્રી ભી પૂછને આયે થે કે ક્યા કર રહે હો પંડિત? તો મેં બોલા મૈયાશ્રી ને એસા બોલે, ઠીક હૈ કર લો. તો વો જો ઉતારા, ઉપર સે ઉતારા, તો ઉસ ટાઈમ મુજે એસા લગા કે મેરે ઉપર સે કોઈ એસી જાલ કોઈ ખીંચ રહા હૈ, ઓર મેં એકદમ ફ્રેશ હો ગયા. ફિર મૈયા યહીં પે હી બેઠે થે, તો મેં આકે પ્રણામ કિયા. મૈયા બોલે, અબ ખુશ રહો, અબ કુછ નહીં હોગા. ઓર ઉસ દિન કે બાદ મુજે હર સાલ 8-9 બાર કમર મેં પેન હોતા થા, બીમારી હોતી થી, વો સબ ચલી ગઈ. આજ ભી વો નહીં હૈ. તો વો યે ઇનકે આશીર્વાદ થે ઓર યે વિધિ થી. તો મેં યે અનુભૂતિ ઇસલિયે શેર કર રહા હું કે યહાં જો યજ્ઞ હો રહા હૈ વો ખાલી આશ્રમ કે ખર્ચ નિભાવ યા ઉત્સવ કરને કે લિયે વો નહીં હો રહા હૈ. કઈ લોગ એસા સમજતે કે ભઈ દત્ત યાગ હૈ, દત્ત જયંતી હૈ, તો ઉસમે સે સબ યે હો જાતા હૈ. એકચ્યુઅલી જો નસીબદાર હૈ કે અભી તક યજ્ઞ મેં બેઠે હૈ, ઓર ઉનકા કિતના ભી કષ્ટ ઉસ દિન હટ જાતા હૈ. ઓર યે સબ કષ્ટ એસે હોતે હૈ જો પૈસા સે હમ નહીં દૂર કર સકતે હૈ. એસે કઈ કેસ હોતે હૈ, કઈ બીમારી હોતી હૈ કે વિશ્વ કે કોઈ ડોક્ટર આ જાય તો વો નહીં હટ સકતા હૈ. વો હમારે પ્રારબ્ધ કે હોતે હૈ, વો યહી સદગુરુ કર સકતે હૈ. તો એસે યજ્ઞો કે લાભ લેના ચાહીએ, ઉસસે જ્યાદા ખર્ચા તો હમ બહાર કર દેતે હૈ. યે મેરી ખુદ કી અનુભૂતિ હૈ, દૂસરે લોગો કી તો હોગી. ઓર દૂસરી એક બાત કહું, પૂજ્ય બાપુશ્રી હમ તબ અંદર હવન કરતે થે, તો હવન કે બાદ બાપુશ્રી અચ્છી દક્ષિણા ભી દેતે થે. તો દક્ષિણા કા કવર દિયા મુજે, તો મેને બોલા બાપુ મુજે તો આશીર્વાદ ચાહીએ. તો સત્ય બાપુ ને બોલા કે આશીર્વાદ યે દેગી, મેં નહીં દૂંગા, આપ ઉનકો પકડો. તો આજ હમ બાપુશ્રી નહીં હૈ એસા બોલ રહે હૈ, લેકિન બાપુ કી શક્તિ હમારે સામને બેઠી હૈ. ઓર અભી ભી એસા મત સોચના, નહીં તો હમ લેટ પડ જાયેંગે. ફિર કભી એસા હોગા કે હમારે બચ્ચે બાતે કરેંગે કે હમ ઇનકે ઇતને નજદીક થે, લેકિન કુછ મિલા નહીં. ઓર લાલાજી ભી બાપુશ્રી કે બહાર જાને કે બાદ મેને દો અખંડ હવન કિયે, બાપુશ્રી કી જીતની શક્તિ ઉનકે સાથ હૈ, ઓર વો અનુભૂતિ ભી મેને કિયા. ઇસલિયે યે બાત કો અભી મત સોચના કે બાપુશ્રી બાપુશ્રી તો ઇધર હી બેઠે, હમે દર્શન ભી દિયા હૈ 2-3 બાર ધ્યાન મેં, લેકિન મૈયા ઉનકી શક્તિ હૈ. ઓર જો સબ હમારે પ્રશ્ન થે વો સોલ્વ મૈયા કરતી થી. એ લેકિન હમ સબ ક્યા સમજતે હૈ કે મૈયા મેનેજમેન્ટ કરતી હૈ, યે હૈ વો હૈ, લેકિન જો બાપુ કા સબ કાર્ય હૈ વો મૈયાશ્રી કરતે હૈ. આજ ઉનકો ચરણ મેં હમારે વંદન હૈ, ઓર ઉન્હી કો હી બાપુ સમજ કે હમે યે સબ કાર્ય આગે ચલાના ચાહીએ. મેં તો કર્મકાંડ કરતા થા, પડતા થા, લેકિન બાપુશ્રી બોલે અચ્છા બોલતે હો તો તુમ આ જાઓ. ઉસકે બાદ મેરે કઈ જન્મો કે કર્મ ઉન્હોને કાટે, ઉનકા મેં ઋણી હું. કભી ગુરુ કા ઋણ પૂરા નહીં હોતા હૈ, આજ ભી મેં ઉનકા ઋણી હું. જય ગુરુદત્ત. કોઈ ઓર કુછ કહેના ચાહેંગે? આવો આવો ફટાફટ ફટાફટ આવો, આ જાઓ. સત્સંગ કા અર્થ હૈ સત્ય સે સંગ. તો આજ
एक परम सत्य जो अनुभूति का है, जो पूज्य बापू श्री की मुख्य धारा थी। त्रिवेदी जी, मुझे याद है मेरे जीवन का पहला सत्संग पूज्य बापू श्री का, 20 साल की उम्र, पंचनाथ मंदिर का हॉल, इतना बड़ा माता जहाँ बैठे हैं महेश्वरी माता, इतना लंबा इससे भी बड़ा होगा, पीछे कहीं बैठे थे पहली बार छोटे से 20 साल की उम्र के अपनी माता के साथ। इतना सुना कि इस स्टेज पर आप बहुत कथा वार्ता कीर्तन सुने होंगे। आज मैं प्रैक्टिकल कराने आया हूँ। बापू श्री पहले कोई बहुत लंबे प्रवचन नहीं करते थे, करते थे प्रवीण भाई, कोई बात नहीं, अभी तो धीमे 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 अब क्या कहें, नजारा ही कुछ और है, ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। इस मंच पर बहुत कुछ सुने हो, बहुत कुछ कथा वार्ता रामायण गीता भागवत, मैं ज्यादा कुछ सुनाने नहीं आया हूँ, मैं प्रैक्टिकल सुनाने आया हूँ और धन धना धन धन हरिओम 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 वो चालू हो जाती थी धुन और हो जाता था ध्यान। और देखो वो ध्यान, आज भी एक बालिका को देखा, काफी 2-3 घंटे तक ध्यानस्थ थी। ऐसे अनेक साधक अनेकों घंटे 2 घंटे 3 घंटे कितने घंटों तक ध्यान में समाधि का अनुभव करते थे। तो ये जो मंत्र है ये अपने आप में बहुत दिव्य है और इसकी शक्तियाँ जिन जिन ने पाई है, तो प्रैक्टिकल आज आप हम सब उस प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं जो परम सत्य है, जो हार्द था हृदय था पूज्य बापू श्री का। वो ज्यादा रामायण कथा नहीं सुनाए, पूरी रामायण नहीं सुनी, किसी ने सुनी है बापू श्री के मुख से, मुश्किल से नवजा भक्ति। प्रैक्टिकल करो और अपनी अनुभूति दो और अपना जीवन उजागर करो, दूसरों को दो, दूसरों का कल्याण। तो आज ऐसा मत मानना, हम आप बहुत ग्रंथियों से पीड़ित है, आज पता नहीं किस किस के रूप में दत्त महाराज या बापू श्री कुछ ना कुछ संकेत और अपने को सत्संग दे रहे हैं। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आँख बंद करके ही ध्यान करने का। अभी एक हिमालयन योगी आए थे, बोले सबसे अच्छा ध्यानी कौन है, सबसे अच्छा ध्यानी एक ड्राइवर है। ध्यान मतलब क्या, ध्यान मतलब एकाग्रता, परफेक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, तीनों बातें एक ड्राइवर के अंदर होती है। तो अपनी ग्रंथियों से उभरिए, फिर पुनः बस आगे निकलती जाएगी, ट्रेन चलती जाएगी। तो अपनी छोटी छोटी ग्रंथियों से पर उठ करके ईश्वर की चेतना को, बापू श्री की शक्तियों को, गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु जो ज्ञान रूप में व्याप्त है उनको पहचान के हमें प्रैक्टिकल करना है। तो ऐसा नहीं मानना कि अब मैया श्री बोलेंगी, देवेश जी बोलेंगे, ये भी बहुत बड़ा सत्संग है, हमारे आपके सामने पूज्य श्री उपस्थिति है, वो भी सुन रहे हैं, तो उनका तो ये मूल हृदय है और वो है अनुभूति, आपको हमको फटाफट शेयर करनी चाहिए। प्रणाम। जय गुरुदत्त। मैं निराली पुजारा, लेकिन यहाँ पर गोविंद भाई की लड़की के नाम से ज्यादा जानी जाती हूँ। ऐसा है कि मेरा एक अनुभव है, ये लास्ट गुरु पूर्णिमा को मैं आके गई और घर जाकर मुझे ऐसा लगा कि शायद हर बार से थोड़ा कम ऊर्जा लेकर गई, मतलब ऐसा मुझे जैसे ही मुझे फील हुआ अगले दिन, एक मिनट भी खत्म नहीं हुई थी। और सामने से मेरी पड़ोसन जो मेरी दोस्त थी वो आई, दरवाजा खोला और मुझसे बोली कि
जब आप जूनागढ़ आश्रम जाके आते हो तो आप कुछ और ही ऊर्जा लेकर आते हो, आप बहुत खुश होते हो। मतलब एक ही मिनट में मुझे अपने जो मैंने जो सोचा उसका जवाब मुझे मिल गया। मतलब कितना वो हमें हमारे पास से हमें जान जाते हैं, हमारे अर्थ हमारे एक एक विचार को वो सुन रहे हैं, हमारे आस पास है वो, मैं फील कर रही हूँ। जब कोरोना में अभी अभी मैया ने बोला कि ध्यान हुआ, मेरी एक दोस्त ने बोला कि मैं 4:30 बजे ध्यान करती हूँ तो तू मेरे साथ आ। तो मैंने एक बार चालू किया तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं तो ऑलरेडी गुरु मैया से बाबूश्री से जुड़ी हुई हूँ। तो दूसरे दिन मैंने सारे ग्रुप में अपना मैसेज डाल दिया कि इस तरह से हम ध्यान करेंगे। अब उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं मोबाइल में धुन कैसे बजाऊंगी, धुन में तो वो चालू होता है, लेकिन पता नहीं कैसे पति ने मदद की, बेटे ने की। आज 3 साल हो गए, मतलब जून में 3 साल होने को आया, एक दिन भी मिस नहीं हुआ। गौरव ने शुरू से बहुत सपोर्ट किया। मतलब उस वक्त से मैं जो ऊर्जा हुआ जो महसूस कर रही हूँ मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन आप सब कर सकते हो, आप सब पा सकते हो। वो देखे को तैयार बैठे बस हम कुछ पाते नहीं। इतना कुछ देना चाहते हैं जो सब उनके पास है, वो हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, बस हम बनना नहीं चाहते। छोटी सी बात, अंतिम वाक्य, वो हमें जैसा बनाना चाहते हैं, हम बन नहीं पाते, कर नहीं पाते, बहुत बड़ी बात है। अब ये सुन करके इनमें से बैठे हुए बहुत से साधक ये आपका नेट मेडिटेशन मत शुरू कर दीजिएगा। जो कोई भी करते हैं 2-4 जरा अपूर्व भाई को मैसेज भेज देना, और जो चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएं, अपनी अपनी नई चौखट खोल करके सब लोग अलग अलग रीत से चालू न कर दें। जो आपका शुरू करना है तो थोड़ा पूर्वजी से बात कर लें और वहाँ से एक कम्युनिकेशन करके करिएगा, ताकि कहीं कोई दूसरी प्रकार की प्रवृत्ति शुरू ना हो जाए, ये सावधान रहिएगा। एक बात और बोलनी है कि हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र कहीं कहीं सुनाई पड़ता है। अभी कोई राजस्थान से आए थे बहन, कुछ 18 साल के थे, तो किसी को बोल रहे थे कि बापूश्री को ये मंत्र मिला और मुझे भी दत्त भगवान ने ये मंत्र दिया है, तो मैं मैया श्री को भी मिली हूँ और वो जब वह बुलाएंगे मैं आऊँगी और वो भी कुछ हरिओम तत्सत से केंद्र चला रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग कई तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई लोग हैं जो अपने आप इस मंत्र को चला करके अपनी अपनी रीत से या तो प्रतिष्ठा कमा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं। तो आप उन सबसे सावधान रहें। गिरनार साधना आश्रम ट्रस्ट जूनागढ़ और ऋषिकेश दो जगह से संचालित होता है। जो कोई भी संस्था या व्यक्ति गिरनार साधना आश्रम ट्रस्ट से जुड़ा है और जो संपर्क में है, यहाँ से जिनको परमिशन दी गई है, वही केंद्र संचालक गिने जाते हैं। अपने मंत्र को उठा करके धुन करेंगे तो थोड़ी बहुत तो अनुभूति होगी, लेकिन उसके अनुकूल और विपरीत भी अनेक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति है, ये एनर्जी है। तो शक्ति को संभालना भी बहुत जरूरी है। जैसे अभी मीटिया सुबह ध्यान में चली गई 1.5-2 घंटा,
तो कोई सिद्ध समर्थ गुरु के आदेश से अगर करते हो, जैसे रतुभाई चलाते रहे राजकोट में केंद्र, कईयों को घंटे घंटे तक ध्यान रखता रहा, एक पुष्पा बेन करके थे और भी, तो आदेश दिया था कि ऐसा करो, तो अपने आप ध्यान उतर भी जाता था। नहीं तो ये जो कुंडली शक्ति और प्राण जो अपना काम करता है वो सबके बस का ये खेल नहीं है। तो गुरु आज्ञा ही केवलम, तो गुरु की आज्ञा में रह करके हमको आपको सबको काम करना चाहिए, तभी वो लंबा चलता है, स्वस्थ चलता है और हम भी स्वस्थ रहते हैं। हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। इस आश्रम की ज्योतिष से संबंधित, यज्ञ से संबंधित और कोई भी ब्रांच नहीं है, तो अगर इस मंत्र को कोई अपने साथ ज्योतिष से जोड़ लेता हो या मंत्र से मंत्र को अपने कार्यों से जोड़ता हो, तो आप ये मत मानना कि ये पूज्य बापूश्री या मैयाश्री या गिरनार साधना आश्रम के कोई प्रतिनिधि है। जो कुछ भी है यहाँ आपको अपनी वेबसाइट पे आप पूछ सकते हैं, आपको कोई यज्ञ की आवश्यकता लगती है, कोई ग्रह शांति कराने का मन है कि कोई रुद्री कराने का है कि कोई ऐसी प्रकृति हो रही है, तो आप नेट पर अपनी जो वेबसाइट है उस पर आप संपर्क करके अपना लिखित में मैसेज भेज सकते हैं। एक अलग डिपार्टमेंट खोल दीजिएगा अपूर्व जी। तो जो कुछ भी अगर आप ठोस परिणाम चाहते हैं और कोई लूटपाट के बगैर, क्योंकि यज्ञ के नाम पर एक यज्ञ 2-4 हजार में भी हो जाता है और वही यज्ञ 40-50 हजार में भी हो जाता है, विधि विधान इतना खर्च करने कर पर भी आपको फले न फले, वो ग्रह शांति, वो काल सर्प योग इत्यादि कई बातें मन में कभी कभी होती है, तो आप उसके लिए नेट पर संपर्क कर सकते हैं और पूज्य बापूश्री और सिद्धों संतों देवी देवताओं ने जो विधान दिए हैं उस विधान के हिसाब से चाहे आपको संकल्प ही दे दिया जाए। देखो गुरु स्थान से जो बात आती है वो अकाट्य होती है, क्योंकि वो गुरु परंपरा से जुड़ी है, किसी व्यक्ति से नहीं। जैसे आप सब ने बोला कि हम मात्र निमित्त हैं, तो वो निमित्त की जो शक्ति है सीधी तीन मस्तक पर जाती है, तो वो काम करती ही है, करती ही है और सफलता लगभग प्रदान दे ही देती है। तो आगे के लिए ये भी ख्याल रखें कि कोई ऐसी ब्रांच आपके नजर में आए तो आप अवश्य वेबसाइट पर अपूर्व जी को लिखित में आप जना दीजिएगा। ऐसी सब क्वेरी अपूर्व जी आप मुझे संपर्क करके बता दीजिएगा 6 से 7 के बीच में इवनिंग को, तो उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। और कोई साधक आइए। जय गुरुदत्त, पूज्य बापूश्री, पूज्य मैया जी, पूज्य उमा जी, पूज्य लालू जी, सत्सत नमः। મને એટલું વેદ ઉપનિષદનું કોઈ જ્ઞાન નથી, જેટલું જ્ઞાન છે બસ હરિઓમ તત્સત જય ગુરુદત્ત નામ લીધું ને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ। પણ આ 15-17 વર્ષ પહેલાંની વાત છે, જ્યારે હું હોસ્ટેલમાં, રાજકોટ હોસ્ટેલમાં હતી, TYનું ફોર્મ ભરવાનું હતું, તો કે FYSYના ડોક્યુમેન્ટ્સ તમારે કે જમા કરાવવા પડશે, તો હું તો ફૂલ કોન્ફિડન્સમાં કે ભાઈ મારી પાસે તો બધું છે જ તે, જ્યારે બેગ ખોલી તો એક પણ ડોક્યુમેન્ટ મારી પાસે ન નીકળ્યા, ટેન્શન આવી ગયું શું કરવું, હોસ્ટેલમાં ફોન અલાઉડ નહીં, પેલો કોઈન 1 રૂપિયાનો સિક્કો નાખી અને ઘરે ફોન કરવાનો, ઘરે ફોન લગાવું લેન્ડલાઈન ફોન, ઘરે કોઈ પાસે આ જયાબાન પાસે જ મોટી થઈ છું, એ લોકો લેન્ડલાઈન ફોન
ફોન કોઈ રિસીવ ન કરે, પછી બાજુમાં ફોન કર્યો તો ખબર પડી કે મામા અને બા તો જૂનાગઢ આવેલા છે. જૂનાગઢના આશ્રમના કોઈ પણ નંબર મારી પાસે નહીં. મેં કીધું હવે કરવું શું, રાજકોટ? ડોક્યુમેન્ટ્સ હડિયાણા પડેલા છે અને હડિયાણાની ચાવી છે ઘરની, એ મામા અને બાની પાસે છે, એ જૂનાગઢમાં છે, હવે મારે કરવું શું? મેં કીધું પાછા ગુજરાતી લેટ ફી નહીં કે લેટ ફી ભરવી પડશે, ફોર્મ્સ એક્સેપ્ટ નહીં થાય, ઘણા બધા માઇન્ડમાં બધું હતું. દત્ત ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, મને હે દત્ત ભગવાન, હું હરિઓમ તત્સત જય ગુરુદત્ત મંત્રની 5 માળા કરીશ, મને કંઈક રસ્તો બતાવો. બીજે દિવસે કોલેજમાં ગયા, ત્યાંના પ્યુન હતા, સામેથી આવીને મને કહે છે, મતલબ હોસ્ટેલ ને કોલેજ બે એક જ કેમ્પસમાં હતી એટલે દરબાર એટલે બાપુ બાપુ કેમ મને ઘણી વખત, કેમ બાપુ એ કે ઉદાસ છો એ કે આજે ફેસ ઉપર કેમ કે ઉદાસી છે? મેં તું જીવાભાઈ, એમનું નામ જીવાભાઈ હતું. મેં જીવાભાઈ આવી પ્રોબ્લેમ થઈ છે, મેં તું શું કરું? મને કહે છે મુંજાઈ શું ગયા કે તમારા એ કે જૂના ડોક્યુમેન્ટ્સ કે હોય જ નહીં કે પ્રિન્સિપાલની ઓફિસમાં? મને કહે છે ત્યાં ગયા, પ્રિન્સિપાલ હાજર નહોતા, જુગાડ લગાવીને ડોક્યુમેન્ટ્સ મારા મેળવા, બારે ઝેરોક્સ બી જે હતા અમારા પટ્ટાવાળા ભાઈ એ કરી આવ્યા, અંદર બેઠા બેઠા કેમ્પસમાં મારા ડોક્યુમેન્ટ્સ આવી ગયા, મારું ફોર્મ સબમિટ થઈ ગયું, ક્યાંય ધક્કો પણ ન થયો. અને પછી ટૂંકમાં એટલો રિલેક્સ ફીલ થયું ને ત્યારે એમ થયું કે ભાઈ દત્ત ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ તો આપણું સોલ્યુશન આવી જાય છે. 5 માળા કરી, એવો એક અનુભવ મારી ફ્રેન્ડને પણ થયો, એનો મોબાઈલ ખોવાઈ ગયો હતો બીચ ઉપર અને એને બી માળા માનેલી દત્ત ભગવાનની, અને પછી 2-3 કલાક પછી એને પાછો એ મોબાઈલ એ જ જગ્યાએથી પાછો મળી ગયો. બીજો એક અનુભવ, બાપુશ્રી અમે જ્યારે બીએડ કમ્પ્લીટ કર્યું તો અમે, હું ને મારી 2 ફ્રેન્ડ, અમે કીધું કે આપણે બીએડ કમ્પ્લીટ કર્યું છે તો આશ્રમમાં પગે લાગવા તો જવું જ છે એમ. અમે નીકળ્યા, બસમાં બેઠા તો અમે લોકો વાતો કરીએ છીએ કે તીન દેવિયા નીકળ પડી. અહીંયા આવીને ઓફિસ પાસે પહોંચ્યા, બાપુશ્રી બેઠેલા અહીંયા છત્રીમાં, અમને જોઈને કે તીન દેવિયા આ ગઈ કે હજી? અમે જે વાત બસમાં કરતા હતા એ વાત એમને ત્યાં ખબર પડી ગઈ. પાછા હસે છે કે જોલી લેકે આવે હોય એસે કમંડલ લેકે આગળ. મેં કીધું અત્યારે બધું યાદ આવે છે કે આમ હું બોલી નથી શકતી, પણ ઘણી બધી એવી અનુભૂતિ છે કે જે બાપુશ્રી મૈયાશ્રી પાસેથી થયેલી છે. ઘણી વખત સ્વાતિબેન ભજન ગાતા હોય તો ઈચ્છા થાય કે આજની ઘડી રડિયામણી ગાય તો મજા આવે, તો એવો વિચાર આવ્યો. મૈયાજી આજે વિચાર આવ્યો, તરત જ મૈયાજી કે સ્વાતિબેન આજની ઘડી રડિયામણી કે ભજન ગાઓ. એટલે ઘણી બધી એવી વસ્તુ છે કે આપણા મનમાં જે થતું હોય તરત બહાર આવે છે. ઉમાજી જ્યારે બોલે છે ત્યારે સેમ એજમાં છીએ, એ વર્કિંગ વુમેન, અમે એને બી એક સન છે મારે, તો હું ફીલ કરતી હોય કે હું એક જ આવી બધી પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કરું છું. પણ અહીંયા સાંભળ્યું ત્યારે એમ થયું કે ઉમાજી પણ ઘણી બધી એવી વસ્તુ છે કે જે આપણે ફીલ ફેસ કરીએ છીએ એ ફેસ કરે છે. તો એના પ્રવચનમાં જેમ બાપુશ્રીના પ્રવચનમાં દરેક પ્રશ્નનું સમાધાન થઈ જતું હતું, આજે હું ઉમાજીને કહેવા માંગુ છું કે તમે જે કંઈ વાત કરો છો એમાં અમારા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સનું સોલ્યુશન થઈ જાય છે. થેન્ક યુ સો મચ ઉમાજી. બસ અસ્તુ, જય ગુરુદત્ત. જય ગુરુદત્ત. પૂજ્ય મૈયાશ્રી, બાપુશ્રી, ઉમાજી, કોટી કોટી વંદન. મારો એક અનુભવ શેર કરીશ. અભી રિસેન્ટલી મારું એક્સિડન્ટ થયું હતું અને બાપુશ્રીના સત્સંગમાં એવું સાંભળેલું કે હું કણ કણને મળવા છું, જ્યાં જ્યાં યાદ કરશો ત્યાં હું જોડે રહીશ. એટલે આદત છે કે ઘરેથી નીકળું એટલે દત્ત ભગવાનને અને બાપુશ્રીનો ફોટો છે 18x20નો, તો એ આદત છે બોલવાની કે બાપુશ્રી જરા જોડે જોડે આવજો ને, વોક પર જાઉં, ડિનર પર જાઉં કે ક્યાં પણ જાઉં. એ દિવસે લકીલી ઓટોમાં હું ગઈ, ઘરેથી અલાઉડ નથી કે ઓટોમાં જાઓ. અમદાવાદમાં ઓટો સારા બધા એવા છે કે જેમ તેમ ચલાવતા હોય છે, પણ કોઈ ઇમરજન્સી કામ હતું એટલે ગઈ. નહીં માનશો મારું એટલું ખતરનાક એક્સિડન્ટ થયું. નીચે હું, ઉપર આખી ઓટો, પાછળથી 2-3 વાહન, એટલે મારી જગ્યાએ કોઈ બીજું હોત ને તો મને એવું થયું કે હું ચૂરમુંચ બની ગયું હોત, પણ મને એક ખરોંચ બી નથી. અને ડોન્ટ બિલીવ કે હું ઘરે આવીને તો 2 કલાક સુધી મારા પગ ધ્રુજતા હતા, એ જ વિચારીને કે ખરેખર બાપુશ્રીની વાત સાચી છે. પણ આપણે લોકો બધી વસ્તુ અનુભવ કરવામાં બહુ ટાઈમ લગાવી દેતા હોય છે, આપણા મનમાં બહુ તર્ક વિતર્ક હોય છે, આપણી સમજની બધું બહાર હોય છે, પણ આપણે મૈયા બાપુની વાતો સમજતા નથી. મૈયાનો અનુભવ શેર કરીશ. એક ઘણા ટાઈમ પહેલાંની વાત છે, મારા કાકાની 2 દીકરીઓ છે, એમની સગાઈ નથી થતી,
ત્યારે હું પૂનમ ભરવા આવતી જામનગરથી, ત્યારે મેં માને વાત કરી હતી કે મા એમની એમની સગાઈની વાત નથી થતી, એ મારાથી મોટી છે અને જોઈન્ટ ફેમિલીમાં એવું હોય કે મોટાનું થાય પછી નાનાનું થાય, તો મૈયાએ એમ કીધું કે એ બંને સગી બહેનો છે તો મોટીને છોડો, પેલા નાનીનું કરો. એટલે મૈયા સામે તો મેં કંઈ આર્ગ્યુમેન્ટ ના કરી, ઘરે જઈને વાત કરી બધા કે આવું પોસિબલ ના હોય, આપણે સમાજમાં રહીએ છીએ એટલે પેલા મોટીનું જ કરવું પડે. એમ કરતાં કરતાં નહીં માનો 2.5 થી 3 વર્ષ કાઢ્યા. અંતે મેં દીકરી થઈને મારા મારા મોટા પપ્પાને મેં બધાને કીધું કે હવે તો મૈયાની વાત માનો, અને નહીં માનશો નાનીનું કર્યું ને તરત મોટીનું થઈ ગયું 15 દિવસમાં. આ મૈયાનો જ શબ્દો હતા, નાનીનું કરો પછી મોટીનું થઈ જશે, તમને ખબર બી નહીં પડે ને સામેથી માંગવું આવશે. પણ એ વાત સમજવામાં બી 2.5-3 વર્ષ કાઢી મૂક્યા. એટલે નથી સમજતા, અહીંયા આવીએ છીએ, પૂનમ ભરીએ છીએ, બાપુના સત્સંગ બી સાંભળી છીએ ને, પણ આપણે સમજવામાં બહુ ટાઈમ આપણે વેસ્ટ કરી દઈએ છીએ. એટલે હું એક જ વસ્તુ કહીશ, તર્ક વિતર્ક અહીં આવીને તો કરવાનું જ નહીં. અને બીજું એ કે મારો અનુભવ, કોઈના વોટ્સએપ પર મેં જોયું કે મૈયા આમ બેઠા છે અને એ લોકો નીચે બેઠા છે, મૈયા એના માથા ઉપર હાથ રાખીને બેઠા છે, તો મનમાં વિચાર થતો હતો કે કાશ મૈયા મને એક હગી આપી દે, કાશ હું જાઉં તો મૈયાની એક નજર મને મળી જાય, કાશ મૈયા મને બેસાડીને માથા ઉપર હાથ રાખે. કરે છે બધાને, આમ વી નો કે આમ કરવાથી બી ઘણું બધું આપણા ભાગ્યમાં હોય મળી જાય, એમની નજર માત્રથી બી ઘણું બધું મળી જાય. એ અહીંયા સુધી બોલાવે છે એ બી આપણું નસીબ છે કે એમનો હુકુમ છે એટલે આપણે આવીએ છીએ, પણ તો બી મનુષ્ય છીએ ને તો તર્ક વિતર્ક બહુ થાય. તો હું નહીં માનું, 2 દિવસ પછી એક્ઝેક્ટ મને 3:30-4 વાગે ઉઠવાની આદત છે વહેલી સવારે, તો હું ફૂલ ઊંઘમાં હતી અને મૈયાએ મને અવાજ આપીને કીધું કે નીતુ ઉઠ બેટા, હું આવી છું, તું મને હગી નહીં આપીશ. ઘરમાં વાત કરીને બધા હસતા થાય કે આવું તો તમે તમે આખો દિવસ જે વાતો માઇન્ડમાં ફેરો ને તો એ તમે રાત્રે સપનામાં કન્વર્ટ થાય. વળી મારું મન ચાલ્યું, મેં કીધું હા મે બી હોઈ શકે, આવું બની શકે કે જે જે વિચારો કરીએ એ રાત્રે થાય. પણ સેકન્ડ ડે વળી મૈયા સપનામાં આવ્યા, આવી જ રીતે બેઠા હતા અને આમ કરીને મને એટલી જોરથી હગી આપીને હું એટલી ખુશ થઈ ગઈ. એટલે મેં મારા ડેડીને કીધું કે ના એવું નથી, આપણે એમને ઘરે બેઠા બી યાદ કરીએ છીએ ને તો મૈયાને બાપુનો અનુભવ થાય છે. એક બીજો અનુભવ કહીશ તો સહજ ધ્યાન યોગામાં બિપિનભાઈ ચોથાણી એમના 30-40 વર્ષ જૂના અનુભવો શેર કરતા હોય છે. તો રાત્રે ડાઇનિંગ ટેબલ પર બેઠા હોય ત્યારે જમતા જમતા આદત છે કે આશ્રમની મૈયા બાપુના અનુભવની વાતો કરતા હોઈએ છીએ. તો એક વખત મેં બાપુશ્રીની ને મૈયાની વાતો જે ગ્રુપમાં શેર થઈ હતી એમને મમ્મી જોડે હું કરતી હતી, અને નહીં માનો મારા ઘરની દિવાલોમાંથી ક્યારેક ક્યારેક ફૂલ ઊંઘમાં બી હોઈએ ને તો બાપુશ્રીના અવાજમાં ધૂનના અવાજ આવતા હોય છે કે બાપુશ્રી જોર જોરથી ધૂન ગાઈ રહ્યા છે ને ઉઠાડી રહ્યા છે. ક્યારેક ક્યારેક આપણા મૈયા જેવા એન્ટર થાય તો આમ અત્તરની સ્મેલ આવતી હોય, ચંદનની સ્મેલ આવતી હોય ને એ ત્યાં ઘરમાં ફ્રી થતી હોય છે જસ્ટ એમને યાદ કરવાથી. આજે હું એટલું જ કહીશ, ઘણા બધા એવા લોકો બી હશે, અનુભૂતિ બહુ બધી હશે પણ કહેવામાં થોડું સંકોચ કરતા હશે, પણ આપણા જ મૈયા છે અને આપણા લોકોની મનની એક ખરાબ આદત, આપણે હંમેશા એવું કરતા બાપુને જોઈ લીધા ને બસ બધું આવી ગયું. પણ હું દિલથી કહું છું માં એક માં છે, માં સિવાય ઉદાહરણ નથી. હું મમ્મીને એવું કહું, મમ્મી પૂનમ ભરવા જાઉં ને તો મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય કે આ વખતે જઈશ તો મૈયાને કંઈક પૂછીશ કંઈક પૂછીશ. નહીં માનો, હું દત્ત ભગવાનની સાક્ષીમાં કહું છું, મૈયાને જો મને બધું ભૂલાઈ જાય, મૈયા ખાલી જોઈ ને તેમ કે બસ સંતોષ થઈ ગયો, માએ જોઈ લીધું ને હવે બધું એ શોર્ટ આઉટ કરી લેશે. એટલે હું એક જ વસ્તુ કહીશ, તર્ક વિતર્ક નહીં કરશો, કારણ કે મેં જીવનમાં ભૂલ કરી છે ક્યારેક ક્યારેક મૈયા પાસે અમુક ટાઈમે પૂછવા ગઈ છું. નાની બુદ્ધિ હોય આપણી કે થોડી કંઈ કે બચપના હોય આપણામાં તો આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ, એ કંઈ નહીં કરો, બિંદાસ ભક્તિ કરો, બિંદાસ ખાલી હરિઓમ દશરથ મંત્ર કરો બસ, એમાં બધું છે. આપણે મૈયા પાસે બી મૈયાને બી શું કામ હેરાન કરીએ, માને બી તો કેટલા બધા કામ ને બધું હોય, આપણા માં છે આપણા માટે જ બેઠા છે. પણ એમને જ્યાં જ્યાં યાદ કરી છે ને મેં મારા અનુભવ કર્યા છે ત્યાં ત્યાં મૈયાને બી મેં ફીલ કર્યા છે. તો એટલું જ કહીશ, બસ હરિઓમ દશરથ જયગુરુદત્ત મંત્ર કરો અને હંમેશા જ્યાં બી જાઓ ને ત્યાં બાપુ દત્ત ભગવાનને કહો મારી જોડે જોડે રહેજો, આપણી સાથે કંઈ થવાનું હશે ને તો એ બધું ટાળી દેશે. એ બધી જગ્યાએ છે પણ આપણે સ્થૂળમાં જોવાની આદત પડી ગઈ છે. અને મૈયાનું બી એવું છે, બધા એમ કે બસ બાપુને જોયું બધું આવી ગયું, માં અને પિતા બંને જરૂરી છે. હું એટલું જ કહીશ, માને બી એટલો જ પ્રેમ કરીએ જેટલો આપણે બાપુશ્રીને કરતા હતા. જય ગુરુ. કોઈ ઓર
महाराज, होली का दिव्य पर्व है। मन तो थाय छे गुजराती में बोलवानो, पण घणा बधा हिंदी भाषीओ पण छे, पण आ अलग मलग नी वातो आपणा मोटा घणा बधा सत्संगो करता आपणने केटली बधी मोटी प्रेरणाओ देती गई, केटलो आपणने इंस्पायर करता गया। એ વાત સમજીને દરેક પૂર્ણિમાના એક કલાકનું સેશન આપણે એવું રાખીએ કે જેમાં પરસ્પર વિચાર, ખુલ્લા મને વિચાર વિમર્શ, જેમાં આપણી સાધનાની પ્રગતિ, આપણા પ્રશ્નો, આપણા આશ્રમની પ્રગતિ, એનો નિર્વાહ, એની વ્યવસ્થા, એક પરિવારની જેમ બધા મળી અને સાથે હવે આજે ગુરુધામ છે આપણું, જે ગિરનાર સાધના આશ્રમ છે, જે આપ સૌને આધાર પૂજ્ય બાપુશ્રી આશ્રમ અને અમે બધા છીએ, એ ભગવાન પણ માત્ર ભક્તોથી જ તે દિવ્યમાન છે। આ ભક્તિની લો આપણી અંદર પ્રગટેલી રહે અને કોશિશ કરો કે દર પૂનમે આપ સૌ અહીંયા આવો અને આપણે કાલે કલ મતલબ જો દેવરિયા પંજાબ બનારસ પૂના વગેરે સે આતે હૈ વો દો તીન પૂનમ કો આ સકતે હૈ, લેકિન જો ગુજરાત સે સંબંધિત હૈ વો કમ સે કમ એક દિન, ઓર અબ તો સબ બસે ઉપલબ્ધ હૈ, રાત મેં નિકલો દિન ભર અપના ભજન સાધન સત્સંગ કરકે રાત મેં ફિર આપ જા સકતે હો। કોઈ પ્રશ્ન હો, કોઈ સમાધાન કી ઈચ્છા હો, કોઈ વાર્તાલાપ કી ઈચ્છા હો, કોઈ બાત કેની હો, તો પૂનમ કે દૂસરે દિન, યે બરસો સે નિયમ હૈ પૂજ્ય બાપુશ્રી કા આદેશ ઓર ઉનકી શક્તિ ઓર પ્રેરણા સે પૂર્ણિમા કે દૂસરે દિન સાધકો કે જો રોગ નિવારણ હૈ, તકલીફ નિવારણ હૈ, કોઈ ભી વાર્તાલાપ હૈ, કોઈ ભી સમાધાન હૈ, ઉસકે લીએ કોઈ કામ હૈ કે વો મુલાકાત કરના ચાહતે હૈ, કોઈ બાર એસા હોતા હૈ કે કઈ સાધક આશ્રમ મેં અપની સેવા દેના ચાહતે હૈ, કુછ ટાઈમ દેના ચાહતે હૈ, કુછ કરના ચાહતે હૈ, લેકિન સંપર્ક નહીં હો પાતા, તો વો આજ એક બાત ઓર રસ્તા મેં ખોલ દેતી હું કે અપની વેબસાઇટ જો હૈ ઉસ વેબસાઇટ પે આપ અપને જો કુછ ભી પ્રશ્ન લે, પ્રશ્ન કા સમાધાન કે લિયે વેબસાઇટ કા સંપર્ક ન કરે, આપ અપના કોઈ ભી બાત રખના ચાહતે હૈ તો ઉસકો આપ અનુભૂતિ કે લિયે મેને નહીં સોચા હૈ કે અનુભૂતિ ભી આપ ડાલ સકતે હૈ, લેકિન વો નિર્ણય હો કરકે કલ નિર્ણય હો જાયેગા। ચિરંજીવી દેવેશજી મહારાજ મીડિયા ડિપાર્ટમેન્ટ કે હેડ હૈ ઓર હંમેશા વ્યક્તિ કો લાઈન એન્ડ સ્ટાફ મેનેજમેન્ટ સે ચલના ચાહીએ, તો જો જિસ વિભાગ કા વડા હૈ ઓર ઉસ વિભાગ કે વડે કા સન્માન કરતે હુએ ઉનકી નીતિ કે અનુસાર હમ આપ સબકો ડિપાર્ટમેન્ટ કે હિસાબ સે હમ આપ ચલે, તો યે કલ નિર્ણય કર દિયા જાયેગા કે આપકી અનુભૂતિ ભી આપ ઉસમે ડાલ સકતે હો કે નહીં। તો પૂર્ણિમા કે દૂસરે દિન હમ સબ બેઠ કરકે યે વિચાર વિમર્શ ઉસમે સુઝાવ ભી દે સકતે હૈ આપ, કે જૈસે યે માતા યહાં બતાએ કે હમ ઇસ તરહ કોઈ શિબિર કર સકતે હૈ, યા આશ્રમ કે કેમ્પસ મેં હમે ક્યા પ્રવૃત્તિ કરની ચાહીએ, ક્યા ઇસકો ઇસી તરહ ખાલી જંગલ હી રહેને દેના હૈ, કોઈ ભૂમિ અગર ઇતની દિવ્ય હૈ તો ઉસ દિવ્ય ભૂમિ
का लाभ भी अनेक लोगों को मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ करना है, क्या करना चाहिए, सूचन कहीं से भी, किसी भी हृदय के अंदर से छोटे से छोटा सूचन, एक सेकंड का, पूरा वाक्य भी नहीं था उसमें, आज गिरनार साधना आश्रम के संचालन में पूरा पूरा काम कर रहा है, उसका नाम दत्ता डेवलपमेंट कमेटी है, तो हम आप सब उसके मेंबर हैं, कई रूप से उसमें जुड़े हैं, जुड़ने से हमारे मोबाइल नंबर, संपर्क, अनेक प्रकार की हमारी जो चैनल है वो बंद गए, तो ये भी बहुत जरूरी है, आप जुड़े रहे, आते रहे, संपर्क में बने रहे और बोलते रहे, खाली सुन सुन करके। एक छोटी सी बेटी जामनगर थी, ये यहाँ से अहमदाबाद गया ये परिवार, और शायद मैं तो 3-4-5 साल के बाद इनको सुनी भी हूँ, अपने जीवन में सब चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कितने बड़ी बात कह गए कि हमारा मन संकल्प विकल्प से पर उठता ही नहीं है। कल मैंने उस महानुभाव से प्रश्न किया कि ये क्या है, क्यों सोचते हो आप, मस्त रहो, ये कितना अच्छा खाना आया है, खा करके मस्त रहो, जिसको जो सोचना है सोचे। लेकिन उस बच्ची ने सबकी सोच की भी चिंता की कि नहीं, अब संकल्प विकल्प से परे उठे, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है। अरे मैंने एक बहुत परिचित व्यक्ति इधर अपने भवनाथ क्षेत्र के, उनका नाम ही एक बहुत बड़ा दबंग व्यक्ति के नाम से था, गुरु दत्तात्रेय के शिखर के से जुड़े हुए व्यक्ति थे, अनेक प्रकार के, आपको हमको लगे कि ये गलत काम कर रहे हैं, विपरीत प्रवृत्ति कर रहे हैं, लेकिन ये दत्तात्रेय का चुना हुआ पार्षद था। दत्तात्रेय को पता है, गुरु महाराज को पता है कि किससे क्या काम करवाना, क्यों कराना, कैसे कराना। अगर उस गद्दी पे कोई दबंग व्यक्ति नहीं होता, कभी तो वो किसी को एक छुरा भी हुमला दिया, अरे चाकू बढ़ने वाला तो गुंडा कहलाता है, तो दत्तात्रेय का भक्त कैसे हो सकता है। लेकिन वो रक्षक था, वो दानवों से रक्षण करता रहा उस पादुका का, जो विवाद कर रहे थे कि ये गुरु दत्तात्रेय नहीं है, अरे तू मेरे गुरु पर प्रहार कर रहा है। तो जहां जिसकी जो जरूरत होती है, वो ईश्वर वैसा व्यक्तित्व चुन लेता है। तो आप हम सब बहुत अच्छे दिव्यात्मा हैं, गुरु दत्तात्रेय से, पूज्य बापूश्री से जुड़े हैं, जुड़े रहे, वो लौ लगी है एक एक के हृदय में, वो मंत्र की धुन बजती है, वो दिया जल रहा है, उस दिया में तेल पूरते रहना है। पूनम में जरूर आइए, ऐसा मत मानिए कि बापूश्री ने, मैं आपकी भीड़ इकट्ठा करने नहीं बोल रही हूँ, मुझे सब आता है, मैं अभी गांव में ढिंढोरा पिटा दूँ कि मैं रामायण शुरू कर रही हूँ, तो आपसे 1000 गुनी मेदनी इकट्ठी कर सकती हूँ, 20-25 लाख दे करके टीवी में मैं चैनल में बोलने लगूँ। मेरे को तो हाई फाई इंग्लिश भी आता है, टोटल इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ जी हूँ, और आजकल आप सोफिस्टिकेटेड वे से इफ़ यू रिप्रेजेंट द मेडिटेशन सिस्टम्स, वो कांच भी है ना, अब जो रुपये के हीरे से ज्यादा बिक रहा है, सब आता है, लेकिन मस्ती है, क्यों करना, किस लिए, जो है उन्हीं को प्रेरणा दो, उन्हीं को आगे बढ़ाओ, और दूसरे भी जो कोई भी आना चाहते हैं, तो जो लोकल जनसंपर्क जो है,
जो लोकलाइज्ड है उनको भी थोड़ा इसमें आवर लेना चाहिए, जो जूनागढ़ का पब्लिक है तो उनको भी इस मंत्र से ज्यादा लाभ मिले, ये लाभ से वंचित न रहे, ऐसा कोई व्यवस्था भी जो यहाँ बैठे हुए महानुभाव है वो करना चाहे तो कर सकते हैं। तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आज कई लोग इसमें ऐसे हैं जो गुरु पूनम और दत्त जयंती को ही आते हैं और आज आए हैं, हाथ ऊंचा करिए, इसमें से कितने ऐसे हैं कि जो दो तीन प्रसंग में आते हैं लेकिन आज दिल खोल करके आए हैं, कोई ऐसे हैं लगभग 50%। लाभ हुआ, हाथ ऊंचा करो फटाफट, हाँ जोर से बोलो, या ना खुशी मिली, बहुत सारू लागू के थोड़ू केटलू आटलू मरे पण लाग्यू। तो ये है प्रेम अनुभूति भजन सत्संग खाना बांटने से, अकेले अकेले रोटी खाओ और साथ में भले ना नीचे बैठ करके सब दो दो रोटी खाओ, थोड़ा कम भी खाओ, खुशी मिलती है। तो ये बांटने वाला काम है, जो 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 व्यक्ति जो कुछ भी बांट सकता है या कर सकता है, लेकिन गुरु स्थान से जुड़े रहो, गुरु के काम से, गुरु के स्थान से, गुरु के नाम से, गुरु के सत्संग से, गुरु की भक्ति से जुड़े रहो और आगे बढ़ते रहो। हरिओम तत्सत, जय गुरु दत्त। आरती का समय हो रहा है, आगे कल का कार्यक्रम एक बार फिर थोड़ा मैं बता दूं, कल 8 बजे, अभी तो यहाँ भोजन के पश्चात अपने बहुत अच्छे कलाकार गायक वृंद हैं, वो अयोध्या प्रसाद जी उपस्थित हैं आपके हमारे सामने। देखो वो लड़की अभी बोल गई है, मैं बोलती हूँ तो ज्यादातर आप लोग मानते ही नहीं हो, मैं तो देखो धोखा नहीं करते, क्या हो माँ हो, बच्चे मानते ही नहीं है, माँ को तो ऐसे ही ले लेते हैं, मम्मी छे ना कीधा ज करे, डेडी बोले तो वजन पड़े, एवं बधे होय छे, आपणे कोई रजगम नहीं है, बच्चे तो नागाई करते ही है और माँ की गोदी में तो खेलते हैं हंसते हैं और सब उनको अधिकार है। लेकिन ये छोटी सी बच्ची भी बोल गई कि अब हमें मानना है, अभी हम पीछे नहीं रहना है, तो नियम और डिसिप्लिन हम शुरू कर देते हैं कल से ही 8 बजे। यहाँ जो कोई भी बैठे हैं, जो आज रात को रुक रहे हैं और कोशिश करें जो जाने वाले हो वो भी एक दिन रुक जाओ, कभी कभी एक जोड़ी कपड़ा अगले दिन का पहन करके भी चला लो, तो सब कुछ शुद्ध है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कल के दिन का लाभ लो। लेकिन सुबह 8 बजे, 7:45 बजे 7 बजे भोजन डिपार्टमेंट को थोड़ा आदेश दे दीजिएगा, व्यवस्थापक कमेटी की, 6:30 बजे से 7:30 तक सब नाश्ता, 6:30 बजे काउंटर नाश्ता और चाय का रेडी रख दिया जाए, जल्दी से उठिए फटाफट, बापू का बुलावा है, मैया का बुलावा है, हमें जाना है, आप आ जाइए 7:45 बजे, अपना आसन लगा लीजिए और जो कुछ भी यहाँ कार्यक्रम है उसमें जुड़ जाइए, सोते मत रहिए, आलस मत करिए, एक दूसरे को घोंका मार के चलता रहो, खींच के ले आओ और डिसिप्लिन में रहो तो बहुत कुछ मिल सकता है। समय कभी कभी बह जाता है तो जाए नहीं, जो मिला है उसको संभाल लें। ऐसे कल 8 बजे से यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा, कल 8 बजे दीप प्रागट्य है, दीप प्रागट्य के बाद थोड़ा दीप प्रागट्य है अखंड धुन का, देखो जो कुछ भी मिलता है वो कीर्तन और धुन से और ध्यान से मिलता है आज तक, तो इस दिव्य पर्व पर कल जेटला जल्दी आवशो, बापू तो 8:30 वागे उठे छे, જેટલું જે અહીંયા વહેલું આસન લગાવશે મને લાગે છે એની ઉપર જ આટલા બધામાં તો તમે દેખાશો,
પણ નક્કી નહીં સિવાય કે તમારી પરાકાષ્ઠાની લિંક હોય કે તમારી ઊર્જા ચેતના રિસેપ્ટિવિટી બાપુશ્રી પ્રત્યેનો પ્રેમ એટલો બધો પ્રબળ હોય કે તમારી એનર્જી ઉપર સુધી જાય કે નીચે કોણ બેઠું છે એ જોવે. વ્યાપ્ત ભલે હોય પણ તો ભી નજર તો નજર હોતી હૈ પડ જાતી હૈ એક નજર તો કલ્યાણ હો જાતા હૈ બેડા પાર હો જાતા હૈ ઓર બહુ તર જાતા હૈ જીવ. તો એસે સિદ્ધ સમાજ ગુરુ કી કલ હમ સ્મૃતિ મેં અખંડ ધૂન રખ રહે હૈ બને ઉતના જલ્દી પણ એવું ભી અતિ ભાવાવસ્થા મેં નાશ્તા પાણી કિયે બગર ભી નો આવો. બાકી હમ લોગ તો અપની ભક્તિ મેં ક્યાં કરતે થે હમ જાને ઉસકો જનાને કી જરૂરત નહીં હૈ. આપ અપના બેલેન્સ હોકર કે આ જાઈએ ઓર જુડતે રહીએ આગે કે કાર્યક્રમ મેં. તો 8 બજે દીપ પ્રાગટ્ય ફિર કીર્તન હોગા અખંડ ધૂન 2-2.5 ઘંટે કી તત્પશ્ચાત 10 બજે તક ધૂન હોગી ફિર 10 બજે યહાં સે ધૂન કરતે કરતે બાપુશ્રી કી સમાધિ સ્થળ પે જાયેંગે. 10 બજે તક ધૂન હોગી બની વહાં તક હમ લોગ સબ સાનિધ્ય મેં રહેંગે એક દૂસરે કે ઓર કોઈ ભી જો ભોજન સે સંબંધિત લોગ હૈ વોહી ભોજન કે મેં જાય અભી સે ડ્યુટી દી જાયેગી 5 લોગ 8 લોગ 10 લોગ ઉસકે બધા જબ પરસને કા સમય હોગા તભી આપ લોગ ઉધર જાઓ ક્યુંકિ મન માયા મેં હી રહેતા હૈ. કોઈ કોઈ કર્મ દોષ એસા હો કોઈ ગ્રહ હો હાલો ને સેવામાં મન લગા રહેગા લેકિન સત્સંગ મેં મન રોકેગા જબકિ તુમ્હારી સેવા કી જરૂરત હૈ નહીં એસા ભી ન હો. જરૂર હો વહાં કરો સેવા ભી પૂજા હૈ. તો ટીમ નક્કી કર લી જાય ભોજન કી ઉસકે પશ્ચાત સબ યહાં આકે અખંડ ધૂન કરે ધૂન કે પશ્ચાત કીર્તન કરતે કરતે હમ પૂજ્ય બાપુશ્રી કી સમાધિ સ્થળ તક જાયેંગે. વહાં ભી થોડા જરૂર હોગા તો સત્સંગ કરેંગે નહીં તો સામૂહિક મંત્ર જપ કરેંગે ઉધર મેં અગર હો સકેગા તો. ઉસ સ્થળ પર જપ ધ્યાન કરના બહુત મુશ્કિલ હૈ લેકિન જો કરાયેગા વો કરેંગે. તત્પશ્ચાત ભોજન હો બટુક ઉસ સમય દરમિયાન 11 બજે સે 2 બજે તક 1.5 બજે તક 2 બજે તક આપ કોઈ ભી સાધક ભોજન કે લિયે નહીં પહોંચેંગે. કલ સબકા ભોજન પહેલે બટુક ભોજન હોગા બ્રહ્મ ભોજન હોગા તત્પશ્ચાત આપકા હમારા ભોજન હોગા. કોઈ ભી સાધક પહેલે સિવાય કે કોઈ ડાયાબિટીસ કા પેશન્ટ હો કોઈ તકલીફ હો તો વાત અલગ હૈ વરના સબ બ્રહ્મ બટુક મતલબ ભૈરવ કા સ્વરૂપ હોતે હૈ વો દેવી દેવતા ઉનકે માધ્યમ સે પ્રસાદ ગ્રહણ કરતે હૈ. તો ઉન સબકો પ્રસાદ પવા કરકે બ્રહ્મ ભોજન કરને કે પશ્ચાત આપ હમ સબકો પ્રસાદ કરના ચાહીએ. તો 11 બજે સે બટુક ભોજન બ્રહ્મ ભોજન શરૂ હો જાયેગા 11 સે 1.5-2 તક શાયદ પૂરા હો જાના ચાહીએ. તત્પશ્ચાત આપ સબ પ્રસાદ લેંગે ફિર પુનઃ યહાં 4 બજે 3:30 બજે એકત્રિત હો જાયેંગે. 3:30 બજે સે આજ કી તરહ સમય હોગા તો કુછ અનુભૂતિ કા મુજે લગતા નહીં હૈ કલ લેકિન કુછ 10-15-20 મિનિટ નિકાલ લેંગે શક્યતા હોગી તો. ચિરંજીવી દેવેશજી મહારાજ કા સત્સંગ હો સકતા હૈ કલ અપને કો પ્રાપ્ત હો. દોપહર મેં દર્શન ભી પ્રાપ્ત હોગા તો કલ કા દિન બહુત હી યાદગાર ઓર ઉર્જાઓ સે ભરા હુઆ દિન હૈ. આ કલ હમારે બાપુશ્રી સ્થૂલ મેં આપકો હમકો દેખતે તો હમેશા હૈ લેકિન મેં તો તેરા કર ગયા બચ્ચા અબ મેં તો તેરા હો લિયા તું મેરા કિતના હોતા હૈ યે અબ બતાને કી બાત હૈ. આગે કા જીવન આપ કિતને બાપુશ્રી કે હો કિતને ઉનકો સમર્પિત હો કિતને ઉનકે ઉનકે સ્થાન સે સમર્પિત હો કિતને ઉનકી પ્રવૃત્તિ સે સમર્પિત હો યે જતાને ઓર બતાને કા ઓર અપને કર્જ કો પૂરા કરને કા સમય હૈ. કરના હૈ તો કરે આગે હરી કી મરજી. હરી ઓમ તત્સત જય ગુરુદત્ત પ્રણામ નમસ્કાર. આરતી હોગી આરતી કે સમય ગિરનાર મંડળ દેવ મંડળ સિદ્ધ મંડળ ઉપસ્થિત હોતા હી હૈ જહાં ગુરુ કી આરતી માં કી આરતી હોતી હૈ ઇસી દૈવી સ્થાનો મેં આપ સબ દિલ સે
बैठ करके आरती के साथ सम्मिलित हों और एकाग्र चित्त से ईश्वर का माँ जगदम्बा का बापू श्री का स्मरण करें। हरिओम तत्सत, जय गुरु दत्त। आज आरती के बाद भोजन करके फिर हम 8:45 बजे यहाँ इकट्ठे हो गए। 9 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम रखा है, जिसमें मशहूर गायक भजनिक अयोध्यादास जी और स्वाति बहन हमारे साथ रहेंगे। तो सबको विनती है कि अपना स्थान 8:45 बजे इस मंडप में ग्रहण कर ले। व्यवस्थापक मंडल से आग्रह है कि आज आपणे गमे तेवा लोकोने लाभ देवो छे, बराबर ने पनारा साहेब? એટલે ગેટ પર યે મત સમજના કે હમ બહાર નિકલ પાયેંગે, ગેટ તુરંત બંધ કર દિયા જાયેગા અભી, ઓર વહાં તાલા લગા દિયા જાય। જો ઇમરજન્સી મેં જાને વાલે લોગે વો પ્રસાદ લેકે હી જાયે, ઓર બાકી જો રુકને વાલે હૈ વો સબ ભજન સાધન યહાં કી જો પ્રવૃત્તિ હૈ ઉસકા લાભ ઉઠાયેંગે। હરિઓમ તત્સત, જય ગુરુ। भोजन के तुरंत भजन में आ जाए, इधर उधर कहीं नहीं भटकेंगे। बहुत सालों से, बहुत जन्मों से भटक रहे, पूज्य बापू श्री खींच के यहाँ लाए, तो अब कहीं भटकना नहीं है। भोजन करके सीधे यहाँ आ जाएंगे भजन संध्या में। वेबसाइट के माध्यम से आप अपने सूचन मोबाइल नंबर के साथ भेज सकते हैं कि आश्रम का विकास विस्तार आप अभिन्न अंग है, मतलब हम एक परिवार है, सब कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो आप अपने विचार अवश्य रजू कर सकते हैं कि आश्रम का विकास कैसे हो, मंत्र प्रचार कैसे करना चाहिए, हमें यहाँ की व्यवस्था में क्या सुधार करना चाहिए, यहाँ के भोजन में, यहाँ के जो कार्य क्षेत्र है उसकी व्यवस्थाओं में आपको खुले दिल से सूचन देने का मेरा आमंत्रण है। ताकि अगर आपके मन में चिंतन होगा, प्रेम होगा, तभी आप कुछ लिख करके भेजेंगे। हाँ, चलाना है चलाना है चलाना है करके बैठे नहीं रहना चाहिए। आपके मन में कोई सूचन हो, कोई प्रेरणा हो, जो आश्रम विकास के, मंत्र विकास के संबंध में हो, जो सबके हित कल्याण में हो। कभी ऐसी भी बात हो सकती है कि भाई बाथरूम की व्यवस्था ठीक नहीं दिख रही है, तो ना ना अपने आश्रम छे ने बधु चलावो, ऐसा मत करो। आप बोलो, आपका कोई भाई बंधु होगा तो उसको भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर, प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आपने तो फेस किया, चलाया, अपने सु आश्रम छे ने, ऐसी बात नहीं है। ये हमारा आपका गुरु स्थान है, यहाँ बनी उतनी अच्छी व्यवस्था हमें देने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप अवश्य हर प्रकार के अपने सूचन, जो जेन्यून हो, जो बुद्धि से जुड़े हो, जो तर्क संगत हो, ऐसे सूचन आप अवश्य भेज सकते हैं। आपका नंबर और नाम अगर आपकी इच्छा होगी तो पूर्ण रूप से गोपनीय रहेगा। कभी कहीं आश्रम से संबंधित कोई कार्यकर्ता कुछ मिसबिहेव कर दिया हो जाने अनजाने में, तो वो भी आप बोल सकते हैं, ताकि व्यवस्था संबंधित, लोगों संबंधित सुधार किया जाए। हमें इस दिव्य स्थान को और दैदीप्यमान और प्रेम सेवा सदकर्म और दैवी शक्ति का एक सुकून वाला, शांति वाला स्थान बनाना है। हमें प्रगति करनी है, अपने गुरु महाराज के दिए हुए काम को आगे बढ़ाना है। सब लोग एक्टिवेट हो जाइएगा। हरिओम तत्सत, जय गुरु। एक और अनाउंसमेंट है, जैसे पूज्य मैया श्री ने बताया, सुबह 6:30 बजे से चाय नाश्ता मिल जाएगा, लेकिन चाय नाश्ता आप रसोड़े पे नहीं मिलेगा। यहाँ गेट के बाद जो यज्ञशाला है,
अपने यज्ञशाला पे ही चाय और नाश्ता रहेगा ताकि आप चाय नाश्ता करके सीधा इधर आ सके। आपकी सहूलियत के लिए चाय नाश्ता बाहर यज्ञशाला के पास जो पेड़ है वही मिलेगा। अगर आप रसोड़े पे गए और कुछ नहीं है तो ये मत नहीं समझना कि कुछ नहीं है, यहाँ पर यज्ञशाला के पास चाय और नाश्ते की व्यवस्था सुबह में रहेगी ताकि चाय नाश्ता करके आप सीधा यहाँ आ सके। संपूज्य दीपज्योत्यै नमः आर्तिक्यं कुर्यात् हरिः ॐ चन्द्रमा मनसो दाजातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आरती करोते जय गुरुदेव हरि आरती करूं तेरी जय गुरुदेव हरि पूर्ण ज्ञान ज्योति प्रगटाओ बंधन की ग्रंथि छुड़ाओ जय गुरुदेव हरि आरती करम जय गुरुदेव हरि ओंकार रूप तुम देवाद ब्रह्म में सेवा आरती करो तेरी शांति जगाओ की शुद्धि कराओ या चक्र सभी आरती करूं तेरी गुरुदेव कृपा हो जाए सो हम स्वर में दहराए निज रूप जाय प्रगति जय गुरुदेव हरि आरती करूं तेरी जय गुरुदेव हरि हे परम ताप के ज्ञानी आनंद ब्रह्म सुख कहानी तुम रूप अरूप जय गुरुदेव हरि आरती करूं तेरी जय गुरुदेव हरि दुख द्वंद मिटाने वाले शरणागत के रखवाले अब तो भव पार करी जय गुरुदेव हरि आरती करूं तेरी जय गुरुदेव हरि जय जय गुरुदेव हरि जय
Thank you.
पुण्यलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आतिथ्यं समर्पयामि सद्गुरुवे नमः। मंत्र पुष्पांजलिम् हस्ते पुष्पमादाय पुष्पांजलिम् कुर्यात्। हरिः ॐ जगेन जग्यमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। दिगंबरम भस्म सुगंधलेपनम चक्रम त्रिशूलम दमरूवदायुधम पद्मासनम योगि मुनीन्द्र वंदितम दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यम्। ओम भूर्भुवस्व सद्गुरु दत्तात्रेयाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम् चरण कमले मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नैवेद्यम् नैवेद्यम् भजति मंत्रेण संप्रोक्ष्य धेन्वा स्मृति कृत्य ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। सद्गुरुवे नमः। नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्ते आत्मनियं समर्पयामि सद्गुरु दत्तात्रेयाय नमः। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः। पार्वतीपते हर हर सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु देवकी जय। हरि ओम तत्सत् जय गुरु दत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरु दत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरु दत्त।